पहला नंबर क्या है, मतलब भागवत कथा कौन सुन सकते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी जीवन में यह भागवत कथा कोई श्रवण कर सकता है। अभी अगर प्रश्न करे, भैया हम तो बहुत बड़े पापी हैं, आप तो कह रहे हो करोड़ों जन्मों का पुण्य से कथा सुन सकते हैं, हम तो हर तरह का पाप किया फिर क्या कथा नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया है गोकर्ण और धुंधुकारि का कथा। कहते से जो आत्मदेव नाम को जो ब्राह्मण था वो सर्वगुण संपन्न की आत्मदेव ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में जन्म, पैसा से कमी नहीं, घर में हरा भरा घर में, लेकिन केवल एक चीज की कमी थी घर में, घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए केवल दुखी था। इसलिए उन्होंने लेकिन पत्नी का नाम किया, बोले धुंधुली। बोले धुंधुली मतलब क्या? बोले अंधकार अज्ञान। संसार में भी देखना कभी कभी पति तो आत्मदेव होता है, बोले बड़े पुण्य आत्मा भजन भक्ति करने वाली, लेकिन कभी कभी पत्नी है ना वो संपूर्ण भक्ति की प्रतिकूल होती, वो धुंधुली अंधकार अज्ञान होती। लेकिन कभी कभी देखना पत्नी तो बड़ी भक्तिमती होती, लेकिन कभी कभी पति को देखना पूरा के पूरा उल्टा है। लेकिन बड़े सौभाग्यवान घर वह है जिस घर में पति भी भजन करता है और भगवान की पत्नी भी भजन करती है। अगर ऐसे कोई जोड़ी मिल जाए ना, समझो घर नहीं वो घर भगवान का धाम है। कहते पत्नी बेटा कैसे होनी चाहिए? बोले राम जैसे। बोले पत्नी कैसे होनी चाहिए? बोले सीता जैसे। घर में गीता हो, पत्नी सीता हो, पति अगर राम जैसे होना, वाह, बोले घर नहीं वो भगवान की धाम है। अभी आत्मदेव घर में सब कुछ लेकर संतान नहीं, इसलिए वो बड़े दुखी है। अगर कोई गैया को घर में कोई गैया पाले तो गैया बांझ हो जाए, कोई पेड़ लगाए तो पेड़ में फल नहीं आए, पूर्वजों को कोई वस्तु दे तो बड़े दुखी होकर ग्रहण करते हैं, हैं? इतने में एक दिन वो दुखी होकर के वो पहुंचा जंगल में आत्महत्या करने के लिए। लेकिन था बड़े कंजूसी आदमी, एक पैसा भी धर्म के लिए कोई एक पैसा भी हाथ से नहीं निकला। यहाँ शिक्षा देते हैं हमारी जितनी कमाई होती है ना, कम से कम उसमें एक चौथाई कोई अच्छे काम में लगा, भगवान की भक्ति में सत्कर्म में लगाओ, फिर तो घर में क्या होती है, घर में फिर शांति सुख आती है। क्योंकि जो लक्ष्मी है, ये चीज़ को याद रखनी चाहिए, लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी, नारायण की पत्नी। तो वो कब खुश हो रहेगी? जब नारायण की सेवा में लगाया जाए तभी वो लक्ष्मी घर में खुश रहती। अगर लक्ष्मी को नारायण के सेवा में नहीं लगाए, उसको अगर कोई भोग करने के लिए चाहे ना, बोले भैया घर में बड़ी शांति सुख नहीं हो, नहीं आएगी। भले ही तुम्हारे घर में अरब खरब पति हो, वो घर में शांति सुख नहीं रहती है, इसलिए एकदम दुखी होकर के आत्महत्या करने गया। जब भगवान किसी जीव को घर में कृपा करे, भगवान दो रूप में आते हैं, एक तो साधु रूप में आते हैं, नहीं तो ब्राह्मण रूप धारण करके आते हैं। माना आज ठाकुर जी उसको समझाने के लिए स्वयं संत रूप में आए, बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले घर में कोई संतान नहीं है। बोले तो दुखी की क्या बात है, ठाकुर जी को बेटा मानना, भगवान जैसे बेटा दुनिया में कोई होगा? हैं, देखो वृंदावन में कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं जब हम बुढ़ापा आ जाएगा अभी हम देखभाल कौन करेगा, कोई कोई सोचते हैं ना, हमारे देखभाल कोई कौन करेगा? नहीं भैया, ऐसे कभी नहीं सोचनी चाहिए, ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये भावना रखो जैसे भगवान की भक्ति करते करते जीवन बीत जाए और किसी की सेवा हमें ग्रहण करने का जरूरत नहीं, चलते फिरते प्रभु का भजन करते करते जैसे संसार से पार हो जाए, हैं? इसलिए भागवत में बताया अनायासेन मरणम बिना दैनन जीवनम अनराधित गोविंद शरणम कथम भजे। इसका मतलब है
बोले जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान की भजन नहीं करे, तब उनका जीवन कभी सुख से नहीं बीत सकती, उनका जीवन कभी आसानी से नहीं जाती है। तभी ये जीवन सुखमय आनंदमय होता है। बल अनयाराधित गोविंद चरणम कथम करे, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करो ये जीवन कभी सुख शांति नहीं होता है। संत ने समझाया, बेटा ठाकुर जैसे बेटा कोई होगा दुनिया में? जो एनर्जी तुम संसार में लगाना चाहते हो वो एनर्जी ठाकुर के चरण में लगा दो, सीधा ठाकुर के पास भी जाओगे। देखो वृंदावन में एक कोई माता जी भजन करती थी, वो जिंदगी भर उन्होंने जो लड्डू गोपाल घर में है, जिंदगी भर उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की। जब वो माता जी वृद्ध हो गई, अभी उसको सेवा नहीं करेगा, अब उससे चलना फिरना नहीं होता है, ठाकुर जी स्वयं इनकी सेवा करते थे। पानी लाना, सब्जी लाना, घर साफ करना, उनको रोसी बना कर खिलाना। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमारे संप्रदाय में, जब कोई सारा जीवन भगवान की भजन करे, जब वो असमर्थ हो जाए ठाकुर जी को चिंता लगती है, इसने तो सारा जीवन मेरी सेवा पूजा की, अभी उसको कौन करेगा, मुझे करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं मैं उसका सेवा करता हूँ, मैं स्वयं सेवा करता हूँ। इसलिए संत ने समझाया, देखो बेटा भगवान की जैसे इच्छा है ना, ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला, इसी में ही शांति सुख है। एक संत कथा सुनाया करते थे, बोले एक समय कुछ लोग नदी पार कर रहे थे, उसमें एक संत भी बैठा हुआ था। जब नदी पार कर रहे थे, ठीक मस्जिद बीच दरिया में जब नाव आ गई, बड़ी जोर से आंधी तूफान आ गया, इतनी जोर से आंधी तूफान और नदी बड़ी लंबी जोड़ी, पानी तो लहरी छलक छलक करके नाव को अंदर में गिर रहा था। उसमें एक संत बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा था, एक जग लेकर के, वैसे तो नदी में नाव में पानी गिर रहा है, फिर वो पानी लेकर नाव में डाल, पानी लेकर नाव में डाल। किसने कहा तो क्या पागल हो गया, वैसे ही आंधी तूफान बीच दरिया में नदी, पानी अपने आप गिर रहा है, फिर तो उल्टा डाल रहे हो। फिर ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला, वो किसकी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन जब थोड़ी दूर नाव गया ना, वो आंधी तूफान बदल गया, बंद हो गया, तो उसने क्या क्या उल्टा नाव से पानी बाहर फेंकने लग गया। बोले देखो कैसे पागल है, जब जरूरत था फेंकना वो भर रहा था, जब जरूरत नहीं तो फेंक रहा है। बोले तू क्या कर रहे हो, बोले ठाकुर को इच्छा से इच्छा मिला रहा। बोले मतलब क्या, हम कहते हैं ना ठाकुर के इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता, बोलते कि नहीं। बल्कि जो आंधी तूफान आया था क्यों आया था, ठाकुर को इच्छा था, ठाकुर जी की इच्छा थी, इसलिए पानी छलक छलक करके नाव में गिर रहा था। मैंने सोचा तो ठाकुर को यही इच्छा है, तब मैं इच्छा क्यों नहीं पूरी करूँ, इसलिए मैं पानी डालता था, लेकिन आंधी तूफान बंद हो गया, मतलब नाव डूबेगा नहीं, इसलिए पानी में फेंक रहा। इसका मतलब है भगवान की इच्छा में अपना इच्छा को मिला देनी चाहिए, मिला करके क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन, भगवान की सेवा, ठाकुर जी की पूजा सेवा करनी चाहिए। संत ने समझाया, उसको बहुत समझाया, देख बेटा, बेटा से शांति नहीं मिलती है, शांति सुख तो भगवान की भक्ति से ही मिलती है, हाँ भक्ति से ही मिलती है। इतने में संत ने कहा मैं तो देख रहा हूँ तेरे ललाट में लिखा हुआ है सात जन्म तक संतान नहीं। इतने में उन्हें तो चरण में गिर पड़े। बोले अगर आप देख रहे हो सात जन्म तक संतान नहीं, मतलब आप कोई साधारण नहीं हो, आप बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हो, हैं? इसलिए उन्होंने उनका चरण में गिर पड़ा। बोले क्यों, बोले जो नाकर के लकड़ी कहते सो करे फकीरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य में तुम्हारी नहीं, अगर सचमुच से कोई शुद्ध साधु की कृपा हो जाए ना, वो असंभव भी संभव हो जाता है। ठाकुर संतों की कृपा से उन्हें चरण में पकड़ करके रोने लग गए। इतने में साधु की दया आई, उन्होंने पेड़ से एक फल लिया और उसको मंत्र पूत करके उनको दे दिया। बोले देख बेटा इसको तुम
पत्नी को खिलाना और पत्नी को बोलना गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान की भजन करे, बड़ा सुंदर तुम्हारी संतान की जन्म हुई। इसलिए पहला जो संस्कार बताया ये गर्भ संस्कार है। गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? जब पेट में बच्चा होना, अगर उसी समय माता है, गीता भागवत रामायण पढ़ी, भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाया जाए, वो बच्चे के ऊपर बड़ी अच्छी संस्कार पड़ती है। आप लोग रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? लव कुश देखे हो? जिस समय माता सीता गर्भवती थी, भगवान राम ने बड़े बड़े संतों को उनके घर में बुलाया और बोले आज घर में सत्संग होएगा। राम बोले सीते जानते हो मैंने आज ये संतों को क्यों बुलाया? बोले क्यों? बोले तू गर्भवती, अगर इसी समय में तुम अगर सत्संग सुनोगे, तुम ज्ञान की बात सुनोगे ना, तुम्हारी जो पेट में बच्चा है वो बड़े ज्ञानी बन के आएगा और बड़ी पिता माता की सेवा करेगा, खूब भजन करेगा। आप लोग उसको देखे कि नहीं, लीला देखे कि नहीं? इतने बलवान बने, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव सबको धराशायी कर दिए। और भगवान राम की कथा राम को उन्होंने सुना रहे थे और सारी अयोध्या से सुन सुन करके आश्चर्य हो रहे थे, क्या तो बालक है, क्या प्रताप है, और सूर ताल में जैसे ज्ञान है और वैसे युद्ध विद्या में भी वैसे प्रवीण है। बोले कैसे बने? बोले गर्भ में रहते समय उन्होंने सत्संग सुना। आप देखना कभी कभी ऐसे बेटा होता है बड़े आज्ञाकारी, बड़ी आज्ञाकारी, लेकिन कभी कभी ऐसे बेटा होता है एकदम बात नहीं सुनता, बड़ी उद्दंड बनते हैं। बोले ऐसे क्यों? बोले ये माताओं के दोष है। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए डिस्को डांस गंदी गंदी पिक्चर देखोगे ना, फिर तो वो गर्भ से दुष्ट बन करके आएगी, वो दुष्ट बन करके आता है। क्यों? गर्भ में रहते समय तुमने अच्छे संस्कार नहीं डाले, इसलिए इतने उत्पटांग बच्चे हैं। और गर्भ में रहते हुए अगर माता ही संस्कार डाले, अच्छी संस्कार, देखना पहले पहले क्या होता था, इसको उल्टा पुलटा पिक्चर, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, हाँ ये सब चीज गंदी चीज नहीं होती थी। सब माताएं गीता भागवत पढ़ती थी, रामायण सुनती थी। अब पहले पहले लोगों को देखो, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूना, पिता माता की सेवा करना, बात सुनना, लेकिन अभी देखो सारे उल्टा ही उल्टा ही। कारण क्या है? ये सब गंदी चीज आ करके ये संस्कृति को, ये सब के सब नष्ट कर दिया हमारी संस्कृति को, है। इसलिए उन्होंने बोले देख ये फल पत्नी को देना और बोलना गीता भागवत पढ़े, झगड़ा नहीं करे, हैं, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा बच्चा जन्म ग्रहण करेगा। उसने तो बड़ा खुश होकर आया, पत्नी को बोले बोले लो फल खाओ, संत ने दिया, घर में बड़ा सुंदर बच्चा होगा। लेकिन उसका नाम ही धुंधली है। धुंधली मतलब क्या? अज्ञान, अंधकार। वो कहाँ संतों का उपदेश को, संतों का वस्तु को वो कहाँ ग्रहण करेगी? वो तो बड़ी है, उसकी सहेली आई थी, बोले पति को किसने फल दिया, बोले फल खाओ बच्चा होगा। ये पुरुषों क्या पता है बच्चे होने पर क्या कष्ट है? 9 महीना तक इधर उधर जा नहीं पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, गांव में डाकू आ गए तो भाग नहीं पाऊंगी, घर में इतने कष्ट करके 4 चीज हमने जो संग्रह किया है, फिर ननद आकर उठा करके लेकर चले नहीं जाए। अब इसने मन में ना तरह तरह का उसके मन में भावना है। उसकी सहेली ने बोली तू चिंता क्यों करती हो, तेरे पति के पास में ज्यादा पैसा और मेरे पति के पास में पैसा ही नहीं, मेरे पति को ज्यादा पैसा दे दे और तू पेट में कपड़ा बांध कर दे सोते रहो और परीक्षा करने के लिए ये फल को तुम खिला दो गैया को। उसने एकदम भय से करा दिया। तो जब उसकी सहेली के घर में संतान हुई, उसने रात रात छुपा करके दे दिया और सवेरे उसने हला मचा दी, मेरे लाला भयो है, मेरी लाला भयो है। लेकिन ये भगवान की देन है। अब देखना जब तक गर्भ में बच्चा नहीं, संतान जन्म नहीं होता ना, स्तन में दूध नहीं उतरती,
और संतान होते ही स्तन में तभी दूध उतर गई। क्यों? भगवान को पता है अभी तो दांत है ही, वो क्या खाएगा। इसलिए ठाकुर जी सारी चीज को व्यवस्था करते हैं। ठाकुर जी अभी उसकी स्तन में दूध ही नहीं, पति को बोले तू तो यहाँ नाच रहे हो मेरे स्तन में दूध नहीं, बोले मेरे को क्या पता है। उसने कहा मैंने सुना है मेरे सहेली के घर में भी एक बच्चा हुई है, अगर आपका आदेश हो उसको घर में बुला लो। बोले कोई बात नहीं, अभी जिसकी बेटा वही पालन कर रही है। लेकिन जो गैया कभी संतान नहीं देता था उसको खिलाया फल, वो संतों का आशीर्वाद है। संतों का आशीर्वाद कभी बर्बाद नहीं जाता है। वो गैया जो बांझ थी वो गर्भधारण की और इतना सुंदर उसने बच्चा जन्म दिया, पूरा शरीर एकदम राजा जैसे, लेकिन केवल कान केवल गैया जैसे। सारा दुनिया बोले देखो जब ठाकुर जी देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। पहले घर में संतान नहीं था, देखो गैया भी संतान दिया, पत्नी भी संतान दिया, सारा दुनिया देखने के लिए आई। बड़ा आश्चर्य चीज, गैया ने इंसान जैसे बच्चा जन्म दिया। देखो ठाकुर जी कैसे छप्पर फाड़ करके देते हैं। एक कथा सुनो, एक समय दो पति पत्नी थे, बड़ी भजन करने वाले, दोनों बड़े भक्ति करने वाले, 24 घंटा ठाकुर जी के नाम सेवा पूजा में डूबे रहते थे। एक दिन उसका पति गया शौचक्रिया के लिए, शौचक्रिया के बाद में जैसे हाथ से साफ करते ना मिट्टी से, उनने जहाँ से मिट्टी उठाया देखा वहाँ पर एक ढक्कन है, वो ढक्कन को उठाया तो देखा वहाँ पर एक कलसी है जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भरा हुआ। बोले राम 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 राम, सवेरे माया की दर्शन हो गए, उनने ढक करके वापस आ गया। उसने पत्नी को ये बात बताई, बाई चांस उसकी घर को पीछे कुछ डाकू लोग घर में चोरी करने आए थे, अभी उन्होंने सुन लिए। बोले भैया बड़ा बेवकूफ है, सोने की कलसी छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हम लोगों ने सुन लिया, हम जा करके उसको उठा करके ले आते हैं। जब वो गए ढक्कन को खोला देखा उसमें जहरीले सर्प तत्तैया बिच्छू भरा पड़ा हुआ। बोले ये बड़ा दुष्ट है, ये तो हमें मरवाने के लिए षड्यंत्र किया था, चलो इसको उठा कर ले जाएंगे और उसको घर में फेंक करके आएंगे। अभी उसको छत को ऊपर में चढ़े और करत से उनको काटे छात को और ऊपर से उन्होंने फेंके, लेकिन उसमें क्या था, क्या था उसमें, हीरे जवाहरात थी। क्योंकि वो संत था इसलिए उसके लिए हीरा जवाहरात, लेकिन ये दुष्ट थे इसलिए इनको बिच्छू और जहरीले सर्प और उसमें ततैया दिखा। जब छत से ऊपर गिराए वो कलसी टूट गया और घर एकदम हीरे जवाहरात से भर गया। बोले भैया भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। बोले भैया अच्छा ही हुआ, हमने तो उसको छोड़ करके आ गया था, अभी ठाकुर जी की इच्छा से आए ना, चलो खूब भंडारा करो, ठाकुर को भोग लगाओ, संतों को खिलाओ, दुखी दरिद्र को रोज रोज भंडारा हो, हैं रोज रोज उन्होंने ठाकुर जी की प्रसाद वितरण किए। अभी दोनों बालक बड़े हुए, एक तो संतों का आशीर्वाद और दूसरे संतों को धोखा देना, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं। देखो कभी गुरु जी की संतों को धोखे कभी नहीं देने चाहिए, ये धोखे देने का फल देखा। अभी दोनों बच्चे धीरे 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 बड़े हुए, जब बड़े हुए बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुखारी महाकाल, संतों का दिया हुआ वस्तु, वो इतनी बड़ा विद्वान, इतनी बड़ी उसने विद्वान बनी और संतों को धोखे दिए हैं, उसका फल क्या, महाकाल महादुष्ट, कुत्ते को साथ में दिन भर रहे और शराब पिए मांस खाए, किसी बच्चे को कुएं को सामने खेलते हुए देखे धक्का मार करके गिरा दे, कहीं आग लगा दे, शाम होते ही 10-15 सिखाए, तेरे बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया। अभी शिकायत, इतने में उसने देखा संत तो सही बताया था, बेटा तो
संतान से सुखी नहीं बनोगे, सुखी बनोगे भगवान की भक्ति से। वो तो सही समझा रहा था, मैंने किसी डाकू को मैंने पाल दिया, मैंने किसी डाकू को किसी शत्रु को मैंने घर में पाल लिया, इतना दुखी, इतने दुखी। उसने दुखी होकर के एक दिन धुंधुकारी बताए, बोले बताओ पैसा कहाँ पर है, दो शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, नहीं दे तो पिटा को मारे पिटाई कर। अभी किसको बताए, बताने के लिए जाएगा, घर में रोता रहता है। एक दिन उसने गोकर्ण को पास में गया, बोले बेटा ऐसे ऐसे, बोले पिताजी इसी संसार में कोई सुख नहीं, कोई सोचे सियात स्वर्ग का इंद्र बनने पर सुख मिलेगा, आप जाकर के इंद्र को पूछो जाकर के सुखी हो, अगर यहाँ पर थोड़ी सी कोई प्रभु का भजन करना शुरू कर देना, पहले इंद्र का आसन दगवाने लगता है। कितना बार तो उसने सुअर बना, कितने बार तो दैत्यों ने उनको भगा दिया स्वर्ग से, पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं। कोई बोले चक्रवर्ती राजा बनने पर सुखी, बोले इंदिरा गांधी कैसे बनी, गोली खा करके, राजीव गांधी कैसे बनी, गोली खा करके। इसलिए जिंदगी भर सोनिया गांधी उस सीट में बसी बैठी नहीं, वो सीट में बैठी नहीं। इसलिए पिताजी ये मत समझो यहाँ पर चक्रवर्ती राजा बनने पर से आप सुखी हो। अभी जहाँ पर वोट हो रहा है, कर्नाटक में वोट है, पता नहीं पहले जो वहाँ पर राजा थे मंत्री थे, अभी उनका आसन डगमगा रहे, पूछो वो सुखी है, सुखी ना दुखी है। इसलिए बोले पिताजी जगत में कोई सुखी नहीं, इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम का दास। पिताजी तभी सुखी रहोगे जब भगवान की भक्ति करोगे पिताजी। इसलिए ये जो अज्ञान मोह अंधकार है पिताजी, ये अज्ञान मोह अंधकार को त्याग दो, संतों का शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करो, गीता भागवत पढ़ो, भगवान के नाम जप करो, पिताजी आपको शांति मिले। हाँ, तब उनकी बेटा जी की ज्ञान सुनकर के उनकी हृदय की गलती खुल गई। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर ज्ञान की वस्तु कहीं भी हो ना, वो ग्रहण करनी चाहिए, ये नहीं सोचनी चाहिए ये बेटा मेरे को क्या ज्ञान देगा, इसने मेरे से जन्म लिया ये क्या ज्ञान देगा, नहीं। भगवान कपिल देव भी अपना माँ को भी ज्ञान दिए। ये ज्ञान ऐसे के वस्तु है जिसको पास में कोई अच्छी चीज हो वहाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं। पिताजी भजन के लिए चले गए, अभी घर में माँ और बेटा, इतने मैया को भी खूब पिटाई की, बोले निकालो पैसा कहाँ, पिता कहाँ पर रख कर गए, वो भी कुएं में आत्महत्या की। उसने पांच पांच वेश्या को उन्हें बुला कर बोला, देखो हमारा भी पांच पांच वेश्या हमारा साथ में, जानते हो ये वेश्या कौन है, वेश्या किसी को कहते हैं जो अपना पति को छोड़ कर और कहीं जाते हैं। हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, क्या क्या पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा, ये पांच है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कहते ज्ञानेंद्रियां जो पांच हैं, कहते पहला नंबर चक्षु, अगर इन्हीं आँखों में, सुत गोस्वामी कहते हैं, अगर इन्हीं आँखों में अगर ठाकुर जी को दर्शन के सिवाय अगर कोई गंदी चीज को दर्शन करते हो ये ठीक नहीं। कर्ण, कान में क्या सुननी चाहिए, बोले भगवान कथा सुननी चाहिए, बोले जिह्वा के द्वारा भगवान की कीर्तन करनी चाहिए, भगवान की कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियों को अगर हम भगवान की भक्ति में सेवा में लगा दें, वाह यही ज्ञानेंद्रिया हमें भगवान तक ले जाएंगे। लेकिन अगर इसको किसी विषय में अगर हम लगा देते हैं तो यही हमारी बंधन की कारण बन जाती है। उसने पांच पांच वेश्या घर में ला कर रखा, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले लिपस्टिक दो, कोई बोले हमें गहना ला दो। अभी उसने राज दरबार में डाकू डाला, बहुत सारे संपत्ति को लूटपाट करके लाया। अभी वेश्याओं ने देखा कि सवेरे होते ही हल्ला मच जाएगा, किसने चोरी की, अगर पति पकड़ा गया ना हम सबके सब जेल में चले जाएंगे, एक काम करो उसको राता राती मार करके हम भाग जाते हैं। बड़ी बुरी तरह से उसको मारे, घर में गाड़ करके भाग गए। अभी इसने बन गया प्रेतात्मा, बन गया अभी इसने
धुंधुधारी प्रेतात्मा बन गया। एक इतनी गोकर्ण घर में आया, देखा ये तो प्रेत बनकर बैठा हुआ, कभी हाथी कभी घोड़ा कभी बिल्ली बनकर डरा रहे। बोले क्यों, तेरे नाम पर मेरे गया में पिंड थी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया मैंने इतने पाप किया है, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो, मेरी उद्धार नहीं हुई। दूसरे दिन उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले आप इनको भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत कथा से इनकी मुक्ति मिल जाए। उन्होंने जैसे हम लोग गाँव के सब भक्त लोग आए हो, उन्होंने सब भक्त लोगों को बुलाया, बुला करके 7 गांठ का के बांस काट दी। पहला दिन खत्म में 1 गांठ टूट गई, दूसरे दिन में दूसरे गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फट गया। बोले मतलब क्या है, कहते इसी संसार में हम भी 7 तरह का बंधन में पड़े हुए, माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार, हम भी हमारा अंदर में भी ये 7 बंधन है, और भूर भुव मोह जन तप सत्य ये भी 7 लोग हैं, ये भी ये 7 लोग हैं। जब ये 7 लोग को पार करके ना फिर तो भगवत धाम आती है, उसके बाद में फिर भगवत धाम आती है। हम भी संसार में 7 तरह का बंधन में बंधे हुए हैं, बोले जब तक ये 7 गांठ हमारी नहीं टूटेगी ना तब तक हमारी भी उद्धार नहीं। इतने में वैकुंठ से रथ आया और ये बड़ी सुंदर चतुर्भुज रूप को धारण करते हुए रथ में बैठ करके जब वो जा रहा था, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया विष्णु दूतों को, बोले ये बताओ यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप सबके लिए क्यों रथ नहीं लाए, आप एक ही रथ क्यों लाए हो, क्या कारण है? बोले देखो देखने के लिए तो यहाँ सबके सब बैठे हुए हैं, लेकिन हृदय से कोई नहीं बैठे हुए। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो बैठे नहीं कैसे? बोले कथा सुनने का एक विधि होता है, हाँ देखो क्या कहते हैं। बोले विश्वास गुरु वाक्य सु स्वस्मी दिनत्व भावनम मान दो सजय से साम कथायाम निश्चलानुमति। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, पहला नियम है विश्वास गुरु वाक्य सु, पहले ये शास्त्र के ऊपर में विश्वास करनी चाहिए, शास्त्र में जो बात बता रहा है ये सही बात है। अगर कोई सोचे अरे पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए ये सब कहानी बना दिया, किसी ने ये सब भूत पिशाचों को किसी ने देखा है, कहते फिर तो ये कथा फल नहीं प्रदान करेगा। क्यों, तुम्हारी कथा में पहला नंबर विश्वास है। देखना एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, समझो उसको 25 साल पढ़ाई के बाद में एक नौकरी मिलती है, और मिलेगी कि नहीं कोई गारंटी भी नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। अब देखना जब एक एग्जाम आता है वो 10-10 बार 15-15 घंटा वो परिश्रम करता है, जैसे कल पेपर है ना, आज रात भर वो सोता नहीं, पूरा पुस्तक को दिमाग में लेकर के पेपर देने जाता है, कितना साल पढ़ाई करता है, यही से 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, तब भी जा करके किसी कष्ट से कोई नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, लेकिन कितने परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति है ना, जो भक्ति है ये भक्ति में अभी तो कोई फेल ही नहीं है, सबसे सक्सेसफुल है। कल बता रहे थे ना मीरा फेल हुई है, हनुमान जी फेल हुए हैं, नरसिंह भक्त फेल हुए हैं, तुलसीदास जी फेल हुए हैं, गोपियाँ क्या फेल हुई है, कोई भी भक्ति में कोई फेल नहीं हुए, सबके सब सक्सेसफुल हुए, सबके सब सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए पहला नंबर बताए विश्वास गुरु वाक्य सु, गुरु जी ने शास्त्र ने जो बात बताए पहले उसको पूर्ण विश्वास करो, ये सही है। देखो ध्यान देकर सुना, एक कथा सुनो कैसे विश्वास रखनी चाहिए। एक समय कोई एक शिष्य था, वो रोज एक नदी पार करके गुरुजी के आश्रम में कथा सुनने आता था। एक दिन जन्माष्टमी आई, कृष्ण 12 बजे जन्म लेते हैं, अभिषेक होते होते 1 बजे खाने खाते खाते अभी प्रसाद पा करके चेला ने गुरुजी से बोले, बोले गुरुजी मैं घर में जाना चाहता हूँ। बोले क्यों, एक रात यहाँ रुक जा। बोले नहीं गुरुजी मेरे को जाना ही पड़ेगा। बोले क्यों,
बोले गुरु जी जब घर में जाता हूँ फिर आपका याद आता है, तब गुरु जी के आश्रम में जाना, सेवा करना, ठाकुर जी को पूजा करना, अगर यहाँ पर रहूँगा ना फिर आपकी याद नहीं, मेरे बीवी बच्चों का याद आएगी, आप बताओ सही क्या है। बोले बात तो सही बता रहे हो। बोले ठीक है बेटा तू जा। बोले गुरु जी जाऊँ कैसे? बोले क्यों? बोले बीच में एक नदी पड़ती है, वो केवड़ तो सो गया होगा, रात एक बजे थोड़ी जगा हुआ, वो तो सो गया होगा, ये नदी कैसे पार करूँगा? गुरु जी बोले कोई चिंता नहीं, मैं तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को अच्छे तरह से हाथों में पकड़ना और तो पानी के ऊपर में चलते 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 चल जाओगे। अभी सचमुच से पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य लगा, भैया गुरु जी ने क्या मंत्र दिए जो पानी के ऊपर में चलते चलते जा रहा हूँ, कहीं कहीं नदी पारी हो गया, थोड़ी अभी बाकी है। बोले उसको खोल करके देखता हूँ तो सही गुरु जी ने इसमें क्या दिया है। वो जो पेपर को खोल करके देखा ना, उसमें लिखा हुआ था हरे कृष्ण सबके सब हाथ उठा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बड़ा जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उसने सोचा इतनी केवल हरे कृष्ण को जो है नहीं, देखो अभी तक नदी में पार हो रहा चल कर गए, क्योंकि उसको विश्वास था, लेकिन अभी जिसको विश्वास घट गया, बोले केवल हरे कृष्ण और कुछ ही नहीं, बस झट उसने डूब गया। हाँ देखो शिक्षा देते हैं, हमें भी गुरुदेव ने हरिनाम दिया, हमें भी गुरुदेव ने हरिनाम दिया। देखना दूसरे काम के लिए तो सारे समय तो हम दे देते, टीवी तीन तीन घंटा बैठ करके सीरियल देख लेंगे, हैं सिनेमा देख लेंगे, लेकिन गुरु जी हमें जो माला दी है ना, वो माला का प्रति हमारा विश्वास है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यहा जप किया सबे करिया निर्बंध। भगवान कह रहे हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, हरि नाम नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम है, साक्षात तुमने तुमको मैंने भगवान नाम दिया, ये नाम को तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक इसको जप करो। बोले जप करने से क्या होगा? बोले यह हिते सर्वसिद्धि, भगवान कह रहे हैं बोले ऐसे कोई चीज है नहीं जो तू हरि नाम करने से नहीं मिलेगा, जो कुछ मांगोगे तुमको हरि नाम से मिलेगा। इसलिए भागवत ने ये हरि नाम को बताया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कहते भगवान का नाम क्या है? कहते ये नाम चिंतामणि। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब होता है अब हरि नाम से जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। देखो एक साधु बड़े सुंदर कथा सुनाए, फिर ध्यान देकर सुने कथा को, मतलब कभी कभी हरि नाम को ना हम दूसरे काम के लिए तो लग जाते हैं, लेकिन ये भगवान का नाम ही नहीं जप कर पाते हैं, क्योंकि नाम का प्रति हमारे विश्वास नहीं। अभी ध्यान देकर ये कथा को ध्यान देकर सुना। हाँ देखो जितने माताएं आप बैठी है ना, केवल कथा नहीं सुनना, कथा को याद करके जाओ, ठीक है ना, कथा को सारी कथाओं की याद करके जाओ, घर में जाकर अपना पति को सुनाओ, घर में अपना बच्चों को कथा सुनाओ, ठीक है ना, अपना परिवार को सुनाओ, जिसको सुनाओगे उसका भी कल्याण, जिसको सुनाओगे उसको भी कल्याण। ऐसे कथा को सुनो जैसे जा करके दूसरों को सुना सकते हो। देखो जैसे देखो हमारी यहाँ विशाखा दीदी यहाँ पर बैठी, उसने एक व्यक्ति हमारी गुरु जी की शरण में आई, और वो जो मोरी गेट में ये थी ना वहाँ पर भी बहुत सारे भक्तों को जोड़ी है, लेकिन वो मोरी गेट से जब यहाँ पर आई, आप लोगों को कथा सुनाती है ना, देखो उन्होंने कथा सुनाई तो इससे रूबी ने कथा सुनी, इसने कथा सुना करके फिर रखवा दिया फरीदाबाद में, फिर फरीदाबाद से फिर इधर रखवा दिया। देखो ये धीरे 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 कितने लोगों को कल्याण हुई है। लेकिन जब दुनिया की बात करोगे ना उसमें दुख ही दुख है, लेकिन अब कहेंगे ठाकुर जी की कथा बोलोगे ना आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है कथा में, है ना।
इसलिए सारी कथा को याद करना। सारी कथा को देखो, एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने गए, देखा वहां पर तीन मूर्ति है। उसने पूछा, भैया ये तीन मूर्ति का कीमत क्या? बोले पहला वाला मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरा वाला बोले इसका कीमत 5 रुपया, बोले तीसरा वाला बोले 5000। बोले क्यों? ये तीनों को देखने में एक ही सा लग रहा है, इतने फर्क क्यों है? बोले अगर तू तो फर्क समझना चाहते हो, तीन ग्लास पानी लेकर के आओ, अभी तुम्हें समझाता। जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में पानी डाला ना, वो जिधर से डाला उधर से निकल के जाता। बोले ये जो मूर्ति जो कथा सुनता है और जिधर सुनता उधर से निकाल देता है। अभी पास वाला मूर्ति में पानी डाला, इधर डाला तो सुधा इधर से इधर निकल करके आ गया। बोले ये तो सुनता है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है, एक आध बुद्ध अंदर में जा चली जाती। जिसका कीमत था 5000 रुपया, उसको कान में पानी डालना, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, सबके सब अंदर में चला गया। बल ये जो कथा सुनता है, ये सबके सब अपना अंदर में कथा। इसलिए हमें कितने कीमत मूर्ति की, कितने पैसा की मूर्ति बननी चाहिए हमें? 5000, ठीक है ना? इसलिए हर कथा को सुनना। हाँ, जब ये कथा सुनो, हरि नाम किया है, एक उदाहरण देकर समझाए। जैसे आप रास्ता में चल रहे हो, आपका हाथ में एक थाली है, आप जब थोड़ी दूर गए, देखा 100-100 रुपया की गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, बताओ आप क्या करोगे? बोला आप लोग क्या करोगे? जिसका कोई मालिक नहीं, 100-100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, क्या करोगे? क्या करोगे? उसको बैग में भरोगे, क्यों? आप चोरी नहीं कर रहे, कोई मालिक है। लेकिन उसको लेकर के जब और थोड़ी दूर गए, देखा 500-500 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे? पहला वाला को निकालोगे, क्योंकि थली एक है, भर गया। फिर उसको भी हम निकालेंगे, उसमें 500 रुपया गड्डी की गड्डी भरेंगे। और थोड़ी दूर गए, फिर 2000-2000 रुपया गड्डी की गड्डी मिला, फिर क्या करोगे बताओ? फिर 500 रुपया को भी हम निकालेंगे, क्यों? जब 2000 वाले मिल गए, 500 रुपया की क्या जरूरत? जब और थोड़ी दूर गए, आपको हीरे जवाहरात बिखरते हुए मिला, बताओ फिर क्या करोगे? उसको भी फेंकोगे, हीरे जवाहरात को भरोगे। और थोड़ी दूर गए तो आपको मिला जिसका नाम पारसमणि कहते हैं। नाम सुने हो? पारसमणि मतलब लोहे को स्पर्श कराने पर जो सोना बन जाती है। फिर क्या करोगे? फिर हीरे जवाहरात को फेंकोगे, क्यों? लोहे और कितना पैसा लाओ, उसमें टच कराओ, सोना बनते जाएगा। पारस पत्थर लेकर गए, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिली, जिसका नाम भागवत में कहते स्यमंतकमणि। हम आगे कथा सुनेंगे कि जो सत्राजित जिनका बेटी थी सत्यभामा, ये सत्राजित का मित्र था सूर्य देवता। ये सूर्य देवता प्रसन्न होकर के अपना मित्र को ये स्यमंतकमणि प्रदान की थी। इसका विशेषत्व है प्रत्यह अष्टभार सुवर्ण। अष्टभार मतलब कितने हजार किलो सोना अपनी आप जिससे निकल गया, अपनी आप सोना जन्म बेटा। फिर क्या करोगे? वो मणि लेकर जाओगे, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज निकला, जिसका नाम कहते हैं चिंतामणि। बोले चिंतामणि का मतलब क्या? जैसे स्यमंतक मणि वो केवल आपको सोना दे सकता है और वो कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, आज बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, एसी रूम चाहिए, आपको वो नहीं दे सकता है, वो केवल आपको सोना ही देगा और कोई चीज नहीं देगा। लेकिन जो चिंतामणि, आप जो कुछ चिंता करोगे वो सब कुछ प्रदान करेगा, जो कुछ मांगोगे। इसलिए भागवत ने बताया कि जो भगवान का नाम है, कहते नाम चिंतामणि कृष्ण, ये भगवान का नाम चिंतामणि है। ठाकुर जी के नाम से जो कुछ मांगोगे ठाकुर वही प्रदान करेंगे। लेकिन अभी हम मांगने पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कहते जैसे नाम करनी चाहिए ना, हम वैसे नाम नहीं कर रहे। हम जब ठीक ठीक से नाम करेंगे, वाल्मीकि का नाम सुने ना,
पहले वो दशरथ नगर था, जब नारद से मिले बोले तो राम बोल, वो इतना पाप किया था उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकते हो। बोला हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ, इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम लेते लेते बाल्मीकि दशरथनगर से वो बाल्मीकि बन गए। हैं हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सुमीरी पबना सोत पबना हो, सुमीरी पबना सोत पबना हो, सुमीरी पबना सोत पबना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुमिरी पवन सुत पावन नामो और आप न बस करे राखे राम। हनुमान जी भगवान राम को वशीभूत कैसे कर दिया, बल्कि केवल प्रभु का नाम जप करते करते। शंकर जी देखो गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरा, तीन बार शंकर जी पंचमुख में प्रभु का नाम जप करते हैं। माता देवी तत सहस नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जय संग प्रिय भवानी। इसलिए माँ पार्वती भगवान के नाम जप करती हैं, इसलिए शंकर जी को इतने प्यारे हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान की जो नाम हमें जो मिला है वो नाम नहीं वो चिंता है, नाम नहीं ये चिंतामणि। अगर ठीक ठीक से प्रभु का नाम जप करेंगे ना, कहते नाम के बाद खींचे आएंगे आखिर एक दिन श्याम और हरि से बड़ा हरि का नाम। ये कौन कह रहे हैं, कहते ये विष्णु तो कह रहे हैं। बोले देखो ये धुंधुकारी जैसे यहाँ पर कथा सुनी, ये कथा को और कोई ठीक ठीक से नहीं सुनी, वो एक मन से उसने बैठ करके कथा सुनी, इसलिए जब कथा समाप्त हो गई तब भी इसी के लिए विमान आ गया है। और किसी के लिए विमान क्यों नहीं आई, इसने एक मन से कथा नहीं सुनी, विश्वास पूर्वक कोई कथा नहीं सुने, इसलिए आपके लिए रथ नहीं आया। गोकर्ण ने कहा तुम लोगों ने सुन लिया, हम लोग सात सात दिन तक कथा सुने लेकिन हमारे लिए कोई रथ नहीं आया, क्यों, हम लोगों ने एक मन से कोई कथा ही नहीं सुने। देखो कल फिर मैं दोबारा कथा करूँगा, ज़्यादा दिन नहीं केवल सात ही दिन, अगर हम एक मन से नियम से अगर कथा सुनेंगे हमारे ही ये जन्म मृत्यु का चक्कर से सारे दुख कष्ट से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। कल से सबके सब एक मन से कथा सुनना। और दूसरे दिन उन्होंने फिर कथा प्रारंभ की और जितने गांव के लोग थे कथा से पहले आए, एक मन से कथा सुनी। लेकिन जब घर में गए इधर उधर की बात नहीं, हाथों में तो काम की और मुंह में ठाकुर जी की नाम लिया है। ऐसे जब उनने सात दिन तक कथा सुने, जितने वहाँ लोग बैठे हुए थे सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया और सबके सब रथ में बैठे और सबके सब ठाकुर जी के पास में चले गए। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, जब कथा विश्राम होएगा ना हम सबके लिए एक एक रथ आएगी ले जाने की, कौन जाएगा हाथ उठा, अगर रथ आ गया सचमुच से हाँ वैकुंठ से कौन कौन जाएगा रथ हाथ उठा, जाओगे सबके सब गोलोक वृंदावन, सचमुच से यहाँ रथ आ गए ना, यहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं दिखे सब आ जाएंगे यहाँ से। बोलेगा अभी मेरा बेटा है, शादी नहीं हुई, बेटी पढ़ रही है, अभी पति देव है, अभी हम कैसे जाएंगे, हाँ कोई चिंता मत करो, जब तक
हमारी मन से संपूर्ण आसक्ति नहीं खत्म हो जाएगी ना, रथ आने वाले भी कोई चिंता मत कर, इसलिए खूब भगवान की भजन कर, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपो Thank you.
Thank you.
जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी मैया कुंती भी उसी समय अपना शरीर को त्याग दी, पांडव लोग भी ये संसार को त्याग दिए। जाने से पहले वृंदावन का राजा बजरनाम को बनाए और इंद्रप्रस्थ का राजा श्री परीक्षित महाराज। एक दिन परीक्षित महाराज बजरनाम से मिलने के लिए वृंदावन में गए। बोले बजरनाम सब कुशल मंगल है ना, आपका आशीर्वाद सब कुशल मंगल है, लेकिन एक चीज की मेरे को बड़ी कमी लग रहा है। बोले किस चीज की? बोले ये वृंदावन में कोई है ही नहीं, ये वृंदावन तो एकदम खाली खाली। बोले क्यों? जब भगवान कृष्ण ये संसार से गए, संपूर्ण वृंदावन धाम को लेकर के चले गए ठाकुर जी। उसी समय कोई जो कीड़े मकोड़े थे ना, जो वहां की जो पशु पक्षी वृंदावन के थे ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे। वहाँ के जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण की सेवा के लिए ये सब के सब बिच्छू सांप से बने हुए, ये पशु पक्षी बने हुए। ये बच्चों को जो पीछे बैठे हुए ना, ये बच्चों को चुप करा, एक व्यक्ति पीछे बैठे। अभी बजरनाम कह रहा है क्योंकि ब्रज में कोई है ही नहीं, ये तो खाली ब्रज है, लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए लेकिन दूसरे स्वरूप में अभी भी कृष्ण। कृष्ण खुद कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम कभी मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन ये रहस्य किसी को पता? बोले श्री सांडिल्य ऋषि। बोले सांडिल्य कौन है? बोले श्री नंद बाबा के कुलपुरोहित थे। उनने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी सी ये ब्रज की महिमा को आप सुनाओ। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो भगवान की दो तरह की लीला है, एक लीला तो इनको साधारण से लीला जो व्यवहार की लीला, उनकी जो और एक लीला है जो उनकी वास्तविक लीला जो सही लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण चले गए, लेकिन आप सही रूप में देखो कृष्ण कहीं नहीं गए। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाँ देखे
ना वृंदावन में दो बने, एक निधु बन और एक निकुंज बन, ना ये दो बन में जाना कभी शाम का समय नहीं। देखना वहां पर बहुत सारे बंदर आपको मिलेंगे, लेकिन देखना शाम होते ही ये बंदर को कोई भगाते नहीं, अपने आप कभी अगर जाओ तो एक बार देख करके आना, देखना वो बंदर एक एक करके निकलना शुरू करते, कोई नहीं भगाते, अपने आप निकलना शुरू करेंगे अपने आप जंगल से ये दो वन से। ठाकुर जी को वहाँ पर फूल की सज्जा लगाएंगे, लोटे में पानी धर देंगे, तांतन और लड्डू देंगे। अब सगर जा करके देखो, देखोगे ऐसे लगेगा जैसे फूल की सज्जा के ऊपर में कोई रात में लेट कर गए। जो पानी रखते हैं ना, कभी लोटे में पानी नहीं दिखेगी, कभी लड्डू नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचेगा जोर जबरदस्ती हम छुप करके रह जाएंगे, वो प्राण त्याग देगा नहीं तो गुंगा बन जाएगा। और वो बन के पास में अपना गुरु जी की मंदिर है, मैंने वहाँ पर दो घटना दिखाई, एक माता की तो मैंने मृत्यु देखा और एक को देखा गुंगा बनते हुए हमने देखा। क्योंकि प्रभु को जो लीला है, अगर कोई एक बार दर्शन करे ना, ये शरीर से नहीं रह सकता, अब वो बोलने का लायक ही नहीं रह जाएगा, इसलिए गुंगा बन जाएगा नहीं तो मर जाएगा। जिनको विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान कौन देखा, बेकार बात है। एक बार वृंदावन में जाओ, वो दो वन में कोई एक वन में एक रात रुक करके देख लो, फिर आपको पता चल गया ठाकुर है क्या नहीं, आपको सबके सब पता चल जाएगा। इसलिए श्री शांडिल्य ऋषि कहते हैं, हे बज्रनाभ, कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में श्री वृंदावन में है। लेकिन दर्शन किसको देते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रेमांजन छुरी भक्ति बिलोचने संत सदैव हृदय सुबिलोकय जब श्याम सुंदरम मचीत गुण स्वरूप गोविंद अंगमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये पितामह ब्रह्मा जी ये बात को कहते हैं, कहते प्रभु तभी हमें दर्शन मिलेंगे जब इन्हीं आँखों में हम प्रेम रूपी अंजन लगाएं। लेकिन हमारे आँखों में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हमारी आँखों में भरा है। जैसे आप हम आगे सुनेंगे, जब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को बताया, बताओ तेरे भगवान कहाँ है, प्रह्लाद ने बताया ये तो बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए, और साक्षात वो देखा ठाकुर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बोले मेरे को क्यों नहीं दिखता है, बोले पिताजी इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, आप लोग आँखों में ना ये काम क्रोध लोभ से भरा पड़ा हुआ है, ये पाप से भरा पड़ा हुआ है, ये पापियों को दर्शन नहीं मिलता है। लेकिन मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए, बोले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, तेरे को बाद में दिखाऊंगा। उन्होंने मुष्टी का घात उन्होंने प्रहार किया और खंभे फड़ करके ठाकुर जी साक्षात नरसिंह देव प्रगट हो गए, बोले नरसिंह भगवान साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, अब उसको बंद कर डाले ठाकुर जी। इसलिए यहाँ पर श्री शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं, शांडिल्य ऋषि कहते हैं जब इन आंखों से प्रेम रूपी अंजन को हम लगाएंगे, फिर तो वृंदावन में सर्वत्र आपको कृष्ण 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 दर्शन मिलेगा। देखो हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्री सनातन गोस्वामी, उनकी कथा सुन लो। ये पहले ये नवाब के बंगाल में जो नवाब थे, इनके ये प्राइम मिनिस्टर थे। हम तो नौकरी के लिए रिश्वत देते हैं, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए रिश्वत दिया, जानते हो कितने पैसा दिया, उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा। वो गेट कीपर को उन्होंने दे करके उन्होंने भजन करने के लिए वृंदावन में आए, और इतने भजन ये संत ने की, हम तो ठाकुर का दर्शन करने जाते थे, ठाकुर इनको दर्शन करने आते थे, इतने बड़े ये संत बने। इनका नित्य नियम था गिरिराज परिक्रमा करना। एक दिन एकदम जेठ की महीना, इतने धूप था, वो परिक्रमा करते करते एक पेड़ को नीचे सो गए, लेट गए, तो भाव से जब विभोर होकर के लेट गए, स्वयं कृष्ण बलराम प्रकट हुए। भगवान कृष्ण तो इनके सर पर
उनका सर को अपना गोद में रख लिए। अब जो दाऊ भैया थे ना, अपना कपड़े से उनको इसे छाया दी। जब इनकी होश आई, कृष्ण ने कहा, बाबा ये चैतन्य महाप्रभु भक्तों का कथा, ये 500 साल पहले की बात है। बोले बाबा, तो जिंदगी भर तो गिरिराज की परिक्रमा तुमने लगाया, अभी वृद्ध हो गए, अभी वृंदावन में भजन करो, कोई जरूरत नहीं इतना कष्ट करने का। बोले नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो परिक्रमा लगाऊंगा। कृष्ण ने कहा, देखो मैं तेरे को एक चीज देता हूँ, अगर इसको तुम 4 बार परिक्रमा करोगे ना, ये वृंदावन परिक्रमा, गिरिराज परिक्रमा की फल मिल जाएगा। भगवान ने बड़ी मीठी मीठी बंसी बजाई और बंसी ध्वनि से ये गिरिराज एकदम पिघल गया। भगवान अपना एक चरण को उनके पत्थर के ऊपर रखे, अपना चरण के चिन्ह, गैया की खुरा के चिन्ह, उनकी बंसुरी और लकुटी, ये 4 चिन्ह उन्होंने दिया। बोले अगर इसको 4 बार परिक्रमा करोगे ना, तेरे को गिरिराज परिक्रमा करने की फल मिलेगी। वो जो शिला है वृंदावन, आप लोग गए हो, एक मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, अब जरूर इस बार जाना, तो जरूर जाना, देखना 24 घंटा वहाँ लोग परिक्रमा कर रहे, 24 घंटा, क्योंकि ठाकुर स्वयं बोले इस शिला को परिक्रमा करने पर आपको गिरिराज परिक्रमा की फल मिलेगी। अभी जो पुरुषोत्तम महीना कल से आप वहाँ जाओगे ना, इतने भीड़, कोई साष्टांग परिक्रमा, कोई दूध धार दे करके परिक्रमा, 24 घंटा में 24 घंटा उस मंदिर में परिक्रमा करते हुए मिलोगे। ठाकुर दर्शन देते थे, लेकिन वो बाबा वृंदावन में रहते थे, चलते चलते जाते थे गिरिराज, फिर गिरिराज से चलते चलते आते थे कहाँ पर, मथुरा। मथुरा में एक चौबेनी थी, चौबेनी जानती हो, वहाँ का जो ब्राह्मण है ना उनको चौबे कहते हैं। चौबे मतलब होता है जो 4 वेद को पढ़े हुए हो। इनकी घर में एक ठाकुर जी थे जिनका नाम था मदन मोहन जी, और ये ठाकुर जी को घर में जो माता थी ना, उनका एक बेटा था जिनका नाम था सतना, लेकिन वो माँ की मन में इतने भक्ति ठाकुर को प्रति थी, वो सोचती थी मेरे 2 लाला है, एक मदना और एक सतना। मतलब जो मदन मोहन जी ठाकुर जी थे, वो सोचती थी ये मेरे एक लाला है और एक लाला सतना, वो सोचती मेरे 2 लाला, और वो सचमुच से ठाकुर जी उनको गोद में बैठती थी, बैठते थे और उनको खिचड़ी खिलाया करती थी। ये संत रोज जाते थे, एक दिन देखा माता जी उनके लिए खिचड़ी बना रही, बोले कैसे खिचड़ी, पर इधर दांतन कर रही थी और पीछे से खिचड़ी चला रही थी। बाबा ने कहा, माता जी ये भगवान साक्षात मदन मोहन है, स्नान करके पवित्र होकर कलची से खिचड़ी चलानी चाहिए, तू तो इधर दांतन कर रहे हो, दूसरे पीछे से खिचड़ी चला रहे हो, ये पाप लगेगा माता जी, तुम स्नान करके नहा धो करके कपड़ा बदला करके भोग बनाना। पहले तो अटाज बात थी नहीं, पहले सबके सब जंगल में जाते थे और स्नान करते थे यमुना में, समय तो लगेगा। अभी माता जी बोले ठीक, कल मैं पवित्र बनकर खिचड़ी बनाऊंगी। वो गई नहाने के लिए, पवित्र होकर के स्नान करके आए। अब देखना बच्चे का जो घूम नींद खुल जाए ना, बच्चे क्या करते, भूख के लिए रोते हैं। उनने सवेरे जाकर के देखा और जो 2 बालक है ना, ठाकुर जी स्वयं, उनको जो बेटा था बैठ करके रो रहे थे। बोले मैया भूख लग रही है, मैया खिचड़ी खिला दे, मैया दूध पिला दे। बाबा ने देखा, देखो रोज वो झूठे खिचड़ी बना कर खिलाती थी और ठाकुर जी प्रसन्न होकर खाते थे, आज वो पवित्र बन करके खिचड़ी बना कर खिलाएगी, ठाकुर जी रो रहे। जब वो माता जी आए ना, बोले माता जी आपको स्नान करने का जरूरत नहीं, आप पहले जैसे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी ठाकुर को वैसे खिला, क्योंकि वो भगवान को अपना माँ, भगवान को अपना बेटा मानती थी। जैसे आपका बच्चे का नींद खुल जाए सवेरे सवेरे, बोले मैया दूध पिला दे, क्या मैया बोलती है नहीं, अभी नहा धो करके हैं पवित्र हो करके तेरे को मैं दूध पिलाऊंगी ना, उसी समय दूध पिलाती हो, क्योंकि भगवान प्रेम की भूखे हैं ठाकुर जी, प्रेम की भूखे, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। साक्षात ठाकुर जी उनको साथ में बात करते थे। एक दिन देखा ठाकुर जी उनको बेटे को साथ में गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा, गुल्ली डंडा में उनका शर्त था जो हार जाएगा दूसरे बच्चे को कंधे पर बैठाएगा, पहले हार गया सदना, कृष्ण उसको कंधे पर बैठे,
फिर दो बार खेल हुई, कृष्ण स्वयं हार गए, कंधे पर बैठा, बोले मैं नहीं बैठाता हूँ, और ठाकुर जी का दर में भाग गए, बोले सारे तू मेरे कंधे में बैठेगा और तेरी बारी आई तो भाग गया, कल आओगे ना तेरे को मजा चखाऊंगा। वो संत देखते थे ठाकुर जैसे गुल्ली डंडा खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले बाबा मेरे को साथ में ले चलो, वो मथुरा की कथा है, वृंदावन में आते हैं, बोले हमको साथ में ले चलो, बोले तू रोज रोज यहाँ पर खिचड़ी मालपुआ राबड़ी खाते हो, मैं तो संत हूँ, किसी तरह से थोड़ा भीख मांग करके आटा ला करके कभी टिकिया बना करके बिना नमक के खाता हूँ, और तेरे पिताजी के नल ला गया था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तू गोपियों के घर में चोरी चोरी करके खाता था, भैया मैं तेरे को कहाँ से दिलाऊंगा, इसलिए तेरे को यही बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, तू यहीं पर खाओ। बोले बाबा तू जो दोगे मैं वही खा लूंगा, लेकिन साथ में चल चलो। ठाकुर जी चलते चलते वो संत को पीछे, मथुरा से चलते चलते ठाकुर आगे वृंदावन, वृंदावन इस बार अगर जाना तो दर्शन करना, ठीक बांके बिहारी के पीछे आप देखना, जहाँ पर गाड़ी पार्किंग करते है ना, देखना वहाँ विशाल मंदिर देखना, पूछना मदन मोहन मंदिर कहाँ है, आप देख जरूर मंदिर में जा करके ठाकुर का दर्शन करके आना, अब ठीक उसको पीछे उनकी समाधि मंदिर है, जा करके जरूर प्रणाम करना। इसलिए श्री यहाँ श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं हे बज्रनाथ कृष्ण कहीं नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में। इसलिए कोई कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचा, भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन जब हम ऐसे भक्त बनेंगे। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा बज्रनाथ कृष्ण कहीं नहीं गए, पूर्ण रूप में अभी भी कृष्ण वृंदावन में। इसलिए बंगला में एक भजन है, वो कहते हैं एखन सही वृंदावन बंसी बाजे, मतलब अभी भी भगवान कृष्ण वृंदावन में बंसरी बजाते हैं, अभी सही ललना जमुना ते जला आलिते जाए जमुना, अभी भी गोपियां जमुना में जल भरने के लिए अभी भी जाते हैं, हैं? अभी भी जाते हैं, अभी भी कृष्ण गैया चराते हैं, अभी भी वो धूल उड़ती है, हैं? सब कुछ अभी भी होती है, लेकिन कौन दर्शन करेगा जिनकी आंख पवित्र हो गई, जिनके आंख पवित्र हो गया वही दर्शन कर सकते हैं। बोले देखो अगर तुम भगवान की अनुभूति पाना चाहते हो एक काम करो, बोले क्या करे, बोले भगवान तो चले गए, धीरे धीरे उनकी लीला स्थली अंतर ध्यान हो रहा है, तुम उन लीला स्थलियों को प्रकाशित करो और सुंदर सुंदर ठाकुर जी को तुम प्रकाशित करो, फिर भगवान की कृपा तुम्हें मिलेगा। फिर उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर वृंदावन में कहाँ नंदगांव, कहाँ बरसाना, कहाँ परश्री, हाँ जाबट, कहाँ कोकिलावर, इन्होंने सब स्थान को प्रकट किया। देखो एक स्थान है, हाँ ध्यान देकर सुनो, उसका नाम आजनौ, क्या नाम है आजनौ, उन्होंने ये लीला स्थलियों को प्रकट किया और जैसे जैसे लीला की थी उन्होंने वैसे उन्होंने स्थापन किया है। अगर कभी आपका सौभाग्य होगा तो जाना, उसका नाम आजनौ। आजनौ नाम क्यों पड़ा, पहले एक समय भगवान बड़ी सुंदर बंसरी बजाए और गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे, उनकी सारी श्रृंगार तो हो गई लेकिन आंखों में केवल काजल लगाना बाकी था। इतने में कृष्ण ने बंसरी बजाए तो इतने में तो राधा रानी भागते भागते आए, कृष्ण ने देखा राधा जी की सारी श्रृंगार हो चुकी केवल काजल नहीं लगाए, कृष्णा एक पत्थर के ऊपर में राधा रानी को बैठा करके उन्होंने काजल लगाए और काजल लगा करके जैसे हाथ है ना उसी हाथ को एक पत्थर के ऊपर उन्होंने घिस दिया तो अभी वो पत्थर है, अभी भी आप जाओगे वो पत्थर को इसे घिसोगे ना उससे काजल निकलती, अभी भी वो पत्थर के ऊपर में हर साल 84 ब्रज मंडल में हम परिक्रमा में जाते हैं, हैं? अभी भी उसे हाथ घिसो वो काजल का रंग निकलती, स्वाभाविक रूप में काजल निकलती, अभी इतना अच्छी, इसलिए उसका नाम है आजनौ। कोई गए हो, कोई नहीं गए, इसलिए कभी आप लोग वृंदावन आओगे ना आपको हम ले चलेंगे और वो पत्थर को दिखाएंगे
कैसे पत्थर से काजल कैसे निकलती। ऐसे वृंदावन में बहुत सारी लीला भूमि जहाँ पर है, वहाँ पर चरणक पहाड़ी कृष्ण जहाँ पर खड़े होकर बंसरी बजाए और पहाड़ का पहाड़ पिघल गया, इतने बड़े बड़े कृष्ण का चरण पड़ा हुआ, इतने बड़े बड़े चरण हुआ, उसका नाम चरणक पहाड़ी। देखेगी नहीं चरणक पहाड़ी को? नहीं देखे? इसलिए जब कोई ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं ना, तो सारे लीला स्थली उसके अंदर में 84 क्रोस में वो सारे लीला स्थली दर्शन करने को मिलती है। इसलिए उन्होंने लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। एक दिन महिषियों ने देखा ये कालिंदी बड़ी प्रसन्न है, बोले कालिंदी तुम भी कृष्ण प्रिया और हम भी कृष्ण प्रिया है, लेकिन कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, उनका देह में तो हम बड़े दुखी, लेकिन तेरी अंदर में कोई दुख भी नहीं, क्या बात है? बोले राधा जी के आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण अभी वृंदावन में पूर्ण रूप में है, केवल ये राधा जी की आशीर्वाद से ही पता चलता है, इसलिए आप लोग वृंदावन में जाना देखना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण वहां नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से, वहां पर सबके सब वृंदावन में श्री सबके सब श्री राधा जी का नाम, क्यों राधा जी का नाम लेते हैं? वृंदावन में कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? देखना किसी को भी देखना, वृंदावन में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री राधे राधे। राधे राधे क्यों बोलते हैं? कृष्ण स्वयं कहते हैं बलिरा शब्द कुर्बन तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम् धा शब्द कुर्बन पश्चात धा विश्रवण लुमा। कृष्ण कहते हैं अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया, कृष्ण कहते भैया मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ, उसको मैं क्या दूं, मेरे राधा जी की रा अक्षर बोला है, बोले ये रा अक्षर की इतने महिमा है, इसकी विनिमय में मेरे को कुछ देने के लिए नहीं मिलता है, मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, आज से मैं तेरा ही हो गया। अगर कोई धा बोल दिया रा और धा, अगर ये दो अक्षर बोल दिया ना, मैं तो उसको पीछे पीछे भागते लगता हूँ, वो जिधर जिधर राधा रानी का नाम लेकर चलता है ना, मैं भी उसको पीछे 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 मैं भी चलता रहता हूँ। इसलिए आप लोग एक भजन सुने होंगे, कहते ना बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बल श्री गिरिराज की तलहटी में
अभी भी उद्धव जी गिरिराज तले के लिए गिरिराज की परिक्रमा हम लोग ने लगाई। कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? अब देखना परिक्रमा लगाते लगाते ठीक राधा कुंड से पहले अब देखना वहां पर श्री उद्धव कुंड है। बोले उद्धव जी अभी भी घास बन करके तपस्या कर रहे। बोले चलो हम सबके सब उद्धव जी के पास में चलते। सबके सब वहां पर गए और जा करके सबके सब बड़ी जोर से वहां कीर्तन किया। जब जोर से उन्होंने हरि कीर्तन की प्रभाव से उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे उन्होंने स्वयं से उद्धव जी वहां प्रकट हुए। तब महेश्वर ने कहा हे उद्धव जी तुम्हें कृष्ण वृंदावन में भेज करके ये ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, बताओ कृष्ण कैसे मिलेंगे। बोले मैंने यही प्रश्न मैंने कृष्ण को किया था जब कृष्ण ये संसार छोड़कर जा गए। कृष्ण ने कहा देखो उद्धव मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता हूँ, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? वो बहुत लंबी चौड़ी 1000 चतुर्युग जब बीत जाएगी तब ब्रह्मा का एक दिन बनता है, बड़ी लंबी चौड़ी दीदी। कृष्ण ने कहा अगर मेरे को कोई कलयुग में मेरे को दर्शन करना चाहते हैं उसका और एक उपाय। बोले क्या उपाय है? बोले एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ। बोले किस रूप में? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में रहूंगा। कलयुग में अगर कोई ये भागवत कथा सुनेगा, कल हम सुन रहे थे ना इसमें 12 खंड है, कितना खंड है? 12 खंड। उसमें जो प्रथम द्वितीय खंड भगवान के 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ भगवान की 2 उर्व है, पंचम भगवान का नाभि, षष्ठ सप्तम भगवान की 2 हाथ, अष्टम स्कंध भक्त स्थल, नवम कंठ, दसम मुखारविंद, एकादश ललाट और द्वादश भगवान का सर। बोले ये भागवत नहीं, बोले तेन अयम बांगमय मूर्ति, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में कलयुग में ये भागवत में विद्यमान। जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा सुनते हैं, कथा सुनना नहीं भगवान से साक्षात मिल रहे हैं, ठाकुर जी से हम मिल रहे हैं कलयुग में। तब श्री महेश्वर ने बताया उद्धव जी फिर तो हमें आप कथा सुना दो। तो ठीक है आपकी कथा सुनाता हूँ, हम तो 7 दिन में कथा सुनेंगे। उनको 1 महीना तक उन्होंने ये कथा सुनाई। जब ये कथा विश्राम हो गया ये भागवत ग्रंथ से स्वयं भाग्य बिहारी राधा रानी उनकी सखियां नंद जसोदा ये सबके सब ये भागवत ग्रंथ से साक्षात रूप में वहां पर प्रकट हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ये भागवत ग्रंथ से जब भगवान स्वयं प्रकट हुए महेश्वर ने प्रभु का दर्शन की और उनका हृदय में जो विरह था वो सारे विरह समाप्त हो गया। तब श्री उद्धव जी कहते हैं देखो मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले भगवान जब ये सृष्टि को रचना की उनने 3 देवता को सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करो, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संघार और विष्णु को बोले तुम्हारा काम पालना। ये 3 देवता को उन्होंने ये 3 दायित्व दे दिया। ब्रह्मा जी ने बोले ये सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरी की मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर आप 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनोगे ये रजोगुण से मुक्ति हो जाओगे। विष्णु आए बोले दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूंगा? बल आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितने दिन में समाप्त करती? बल 1 महीना। अभी माँ लक्ष्मी जब कथा करती है नारायण भी बैठ कर कथा सुनते हैं, बोले कितना दिन में विश्राम देते हैं? बोले 2 महीना। लक्ष्मी जितने सुंदर कथा सुनाती है
उसकी नारायण की कथा जितने सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर कथा श्री लाल लक्ष्मी बोलती है। अभी शंकर जी आए बोले प्रभु ये संघार का काम तमोगुण का काम, ये तमोगुण से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी सुना और कथा सुना। जब शंकर जी सुनाते हैं माँ पार्वती सुनती हैं, कितने दिन में समाप्त करते हैं? बोले एक साल। शंकर जी बड़े सुंदर व्याख्या करते सुनाते, जब उनकी समाप्त हो जाए फिर माँ पार्वती कथा सुनाती है, शंकर जी कथा सुनते हैं। बोले कितने दिन में समाप्त करते? बोले एक या दो साल लगती है। इसलिए शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं माता पार्वती व्याख्या करते हुए उससे भी सुंदर रूप में कथा सुनाते हैं। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, ये कथा की प्रभाव से जगत का सृष्टि ब्रह्मा कर रहे, कथा की प्रभाव से संघार शंकर जी करते हैं और कथा की प्रभाव से श्री विष्णु जी जगत को पालन करते हैं। मतलब ये भागवत कथा से ना दुनिया में जो कुछ हो रहा है केवल ये भागवत की प्रभाव से सारा दुनिया चल रहा है। समझो ये भागवत कथा की कितने महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लोग मेरे पीछे पीछे एक भजन गा लो, ठीक है? बोले राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 का नाम अनमोल बोलो, I'm not afraid of the dark.
श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोक को द्वारा मंगलाचरण किया है। जो पहला श्लोक है ये संबंध, संबंध मतलब हम किसको साथ में नाता जोड़े तो किसको साथ में जोड़े। बोलते हैं भैया सबको साथ में नाता मत जोड़ो, कहते ना ऐसे बर को क्या बरे वो जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी और गोपाल दूसो चुड़ल अमर हो जाए। कहते ना आज आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहते अगर संबंध अगर जोड़ना तो सबको साथ में संबंध मत जोड़ा करो, मना करते हैं। जोड़ना तो केवल कृष्ण से ही संबंध जोड़, जो सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है। और जिसको साथ में एक बार संबंध जोड़ना तो संबंध कभी टूटने वाले नहीं। इसलिए भागवत में आती है जब श्री व्यास देव जी ने भागवत ग्रंथ को रचना की, अभी वो सोच रहे हैं भैया पढ़ाए तो पढ़ाए किसको, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी को हमने प्रकट किया था वो तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चला गया, वो तो ब्रह्मज्ञानी बन करके चला गया, अभी उसको बुलाए कैसे। बोले श्री व्यास देव के चार ही चेले थे, उन्होंने बोले देखो मेरे एक तोता थी वो तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको वापस ला सकते हो। बोले गुरु जी लाए कैसे, जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कैसे। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुमको एक मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझ जाना वही मेरे तोता है। बोले ऐसे मंत्र? बोले हाँ। बोले बताओ वो मंत्र क्या है? कहते वो मंत्र को स्वयं राधा रानी अपना मुखार बिंद से वो मंत्र उच्चारण की, वो मंत्र है कृष्ण कितने सुंदर है। बले बराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयन्ति च माला रन्ध्रान भेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। मतलब है वो कृष्ण कितने सुंदर हैं। इसलिए कहते ना बांके बिहारी की देख छटा और मेरे मन है गयो क्या हो गया लटा बटा, मेरे मन है गयो लटा बटा। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर हैं, गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंदलाल तुझे भी हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों में, अच्छा हुआ भगवान ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली होता है ना तो इतने सुंदर है। ये पृथ्वी के जितने क्षत्रिय है ना सब के सब मारपीट करके सब समाप्त हो जाते तेरे को पाने के लिए, तू इतने सुंदर हो। इसलिए इनकी बताए कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव गोविंदं मादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव, करोड़ों काम देव भी यहाँ पर नौछावर कर लेते हैं, इतने कृष्ण सुंदर हैं। इसलिए संतों का कुछ संतों का कहना है, कहते पहले जो मेघ है ना नीचे रहता था, वो मेघ पहले नीचे था लेकिन वो ऊपर चला गया। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब प्रकट हुए, कृष्ण देखने में इतने सुंदर घन श्याम रंग भगवान की, इतने सुंदर भगवान के रूप माधुर्य था, मेघ ने देखा भैया मेरे को और कोई पूछने वाले नहीं, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। पहले शेर रास्ता में रोड के ऊपर में चलते थे लेकिन कृष्ण जब आए ना सारे शेर जंगल में चले गए। बोले क्यों? बोले भगवान को बताया सिंह ग्रीव, भगवान की कमर कैसे, अब शेर का देखना कमर पतली वो छाती उनकी चौड़ी है, भगवान की कमर कैसे एकदम पतली है, छाती कैसे चौड़ी छाती है भगवान। इसलिए ये शेर ने जब देखा कृष्ण अवतीर्ण हुए प्रकट हो गए, बोले भैया और हम कोई पूछेगा वो जंगल में चला गया। बोले जितने सांप है ना पहले रोड रोड में घूमते थे लेकिन जब कृष्ण आए वो जितने सांप सब भीड़ के अंदर में चले गए। बोले क्यों? बोले भुज दंड गृहित कंठा, भगवान को हाथ उदाहरण दिया सर्प जैसे, सर्प जैसे उनका हाथ बड़े सुंदर ऊपर से मोटा सोकर पतला जैसे
सांप ने देखा भैया कृष्ण आ गए, मेरे को कोई पूछेगा नहीं, इसलिए बिल गंदर में चले। मतलब कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण है दुनिया में, इनके सुंदरता जगत में कोई नहीं। नारायण कितने सुंदर है बताओ। लेकिन लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता को सुनती है ना, माँ लक्ष्मी वैकुंठ को त्याग दे देती है और वृंदावन में एक बैल बन, कौन कौन बैल बन गए हैं, बैल बन नहीं गए ना, जमुना की उस पार में के बैल बने हैं। हम सब जगह में देखना लक्ष्मी हाथ ऐसे करके बैठ जाती है, लेकिन बैल बन में देखना लक्ष्मी ऐसे बैठी हुई तपस्या कर रही है। बोले किसको? बोले भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। कृष्ण इतने सुंदर जो नारायण है वो भी बच्चों को चोरी करते हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए। बोले नारायण की बात छोड़ो, कृष्ण इतने सुंदर है, जब कृष्ण का परछाई किसी मणि स्तंभ के ऊपर उनका परछाई पड़ता है ना, कृष्ण कहते भैया ये कौन है इतने सुंदर। बोले अपर कलित पूर्वम कस्तमत करकारी, ये सुंदरता कौन इतने सुंदर है। इसलिए कृष्ण कभी कभी सोचते हैं बोले कृष्ण को आलिंगन कौन करती, बोले राधा रानी। कृष्णा इसलिए कभी कभी सोचते हैं मैं कब से राधा रानी बन करके आऊं और ये श्याम सुंदर को मैं आलिंगन करूं। इसलिए कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति लेकर के वही कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर बताए कृष्ण जैसे जगत में कोई सुंदर नहीं। इसलिए कहते संबंध बनाओ तो किसको साथ में संबंध बनाओ, बोले भगवान कृष्ण को साथ में संबंध रखो। बोले कृष्ण कौन है, बोले जन्मादस्य जगत, मतलब कि विश्व ब्रह्मांड जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और नारायण जगत को पालन करते हैं। तब जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को जिन्होंने स्फुरण कराया, भगवान की ऐसे माया है जहाँ पर ब्रह्मा शंकर नारद आदि देवता भी जहाँ पर मोहित हो जाते हैं, इतने भगवान की अपूर्व भगवान की माया है। हम आगे सुनेंगे इंद्र कैसे मोहित हुए, ब्रह्मा कैसे मोहित हुए और यहाँ तक भी 33 करोड़ देवताओं को जिन्होंने मोहित हुए भगवान परास्त किए। इसलिए भागवत में कथा आती है, एक दिन कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे सब रानियों के साथ में, उनका 16,108 बटरानी 8 महिषियाँ उनको बैठी हुई थी। इतने में नारद जी स्वर्ग से आए एक पारिजात फूल लेकर के, ये जो फूल है कभी नहीं मुरझाता, हर समय खिला हुआ रहता है। नारद जब आए कृष्ण को हाथ में दे दिए, बोले कृष्ण ये जो तुम्हारी 8 जो विशेष रानियाँ हैं ना, तुम जिसको ज्यादा प्रेम करते हो ये फूल उसको दे दो। कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए, बोले नारद जी पता नहीं कहाँ झगड़ा लगाने की आदत, क्योंकि कृष्ण जब रुक्मिणी को पास में होते है ना, कहते रुक्मिणी तेरे को मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। बोले क्या बात है? बोले तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ ना, और किसी रानी को इतना प्रेम नहीं करता। जब सत्यभामा को पास में होते हैं, बोले तू सबसे ज्यादा प्यारी तुम ही, तुमसे जैसे जिसको अभी कृष्ण जब जब जिसको पास में होते है ना, सब यही बात कहते थे। कृष्ण ने देखा ये तो सारे भार फूट जाएगी, यहाँ पर ये कह रहे हैं जिसको तू सबसे ज्यादा प्रेम कर तो उसको दो, कहाँ लड़ाई लगाने आ गई। कृष्ण तो फूल को लेकर चुपचाप बैठ गए, अभी क्या करें। नारद जी बोले कृष्ण जल्दी जल्दी, तो मेरे पास में समय नहीं, मेरे को जल्दी जाना है। इतने में सबसे जो बड़ी रानी है, जानते हो कृष्ण का सबसे बड़ी रानी कौन है? सबसे पहले कृष्ण की शादी किसके साथ में हुई बताओ, कौन बोले हाथ उठा, किसके साथ में? हाँ, सबसे पहले रुक्मिणी के साथ, ये सबसे बड़ी रानी। अभी वो सबसे पास में बैठी हुई थी, कृष्ण ने ये फूल को रुक्मिणी को हाथ दे दिया, और पास में बैठी हुई थी सत्यभामा। बोले सत्यभामा कौन, रुक्मिणी कौन है? जो रुक्मिणी है जो ब्रज में चंद्रावली और रुक्मिणी बनकर गया है, और जो राधा जी की अंश से ये सत्यभामा है, और राधा जी तो मानवती सर्वश्रेष्ठ सखी। जब इन्होंने फूल रुक्मिणी को हाथ में दे दिया, जो सत्यभामा बैठी हुई थी वो तो सोच रही थी फूल मेरे को दे, वो सोच रही थी फूल वो मेरे को ही देंगे, लेकिन दे दिया रुक्मिणी को।
देते ही वो तो तमतमात हुई खड़ी हो गई और प्यार पटकती हुई क्रोध को मारे ना जाकर के मान भवन में ले गई। कृष्ण ने देखा, देखो नारद जी क्या झगड़ा लगा दिया। अभी कृष्ण गए सत्यभामा के ऊपर हाथ रखते ना, सत्यभामा का हाथ फेंक दी, बोले आप ऊपर जैसे काले अंदर भी कम काला नहीं, आज तो सबको सामने मेरे नाक कान कटवा दिया, मेरे को पता चल गया तुम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो, और मेरे को कहा करते थे तेरे को जितने प्रेम करती ना और किसी को नहीं, आज सब पता चल गया। कृष्ण ने कहा तू एक फूल के लिए इतना क्रोध करते हो, उसको तो मैंने एक फूल दे दिया, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ करके ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं दे सके मेरे लिए पेड़ ले आएंगे, इतने झूठ बोलते हो। बोले चलो, बोले चलो ले चलो। कृष्ण गरुड़ को पीठ ऊपर में बैठाया सत्यभामा को और लेकर गए स्वर्ग में। तब उन्होंने इंद्र से बोले इंद्र मेरी रानी मान की है, स्वर्ग से एक पारिजात पेड़ दे दो। इंद्र कहा नहीं, इसलिए ये स्वर्ग की इतने महिमा है क्योंकि ये पारिजात वृक्ष केवल स्वर्ग लोग तभी ये इंद्र लोग की इतने महिमा, अगर ये मरते जगत में चला गया ना स्वर्ग की कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसलिए ये केवल देव हो गया है, वो देना ही नहीं चाह रहा। कृष्ण ने कहा भैया जब जब इनको विपत्ति पड़े तब तक मैं आगे रखिया करता हूँ, मेरे पत्नी को मनाने के लिए कि पेड़ मांग रहा हूँ, ये पेड़ में देने के लिए तैयार नहीं, हजार हजार पेड़ है यहाँ पर। बोले दोगन ही, बोले नहीं, बोले फिर तो मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाए, जोर जबरदस्ती उन्होंने पेड़ को उखाड़ लिया और उन्होंने गरुड़ को पीठ पर रख दिए। 33 करोड़ देवता एक साथ में भगवान के ऊपर टूट पड़े। भगवान अपना सारंग धनुक उठाया, ऐसे युद्ध किया, सबकी चखा चढ़ा दी, सबको परास्त कर दिया और देखते देखते वो वृक्षों को लेकर के लाए और सत्यभामा के घर को सामने बो दिया। सत्यभामा की आनंद की सीमा नहीं रही, उसने सारी रानियों को निमंत्रण दिया आज मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले तुम लोग ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण तो रुक्मिणी का फूल दिया, देखो मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे लिए स्वर्ग से वृक्ष ला करके मेरे घर के सामने बोल दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुझंती जत सुरयो, भगवान की माया से जहाँ पर बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित तो हो जाते हैं, इसलिए भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को स्फुरण करवाया है। भगवान के अंदर में जैसे लगता है जैसे कोई माया की गुण है, लेकिन होने पर भी भगवान संपूर्ण निर्मल और शुद्ध है। ऐसे जो परम सत्य कौन है, श्री वाक्य बिहारी कृष्ण को हम सबके सब प्रणाम करते हैं। बस श्री वाक्य बिहारी लाल की, बस श्री कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री लाल। देखो यहाँ पर कहते भैया संबंध किसको साथ में जोड़ो, कृष्ण को साथ में। बोले क्या केवल कृष्ण को साथ में ना और किसको साथ में? बोले केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण जी को साथ में सिर्फ राधा जी की भजन करनी चाहिए, अकेले कृष्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? अकेले कृष्ण को भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है अकेले माधव पूजय सो ज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कहते जो अकेले कृष्ण को भक्ति करते वो अज्ञानी है, जो राधा जी की अनादर करते हो अज्ञानी है, हैं? अगर कोई ब्रज रज को पाना चाहते हैं, ब्रज रस में प्रवेश करना चाहते हैं, क्या करनी चाहिए? बोले जुगल सरकार की उपासना करो। केवल जुगल नहीं, देखो हाँ ध्यान देकर सुनो, एक अच्छी बात सुनो। कहते भगवान की तीन तरह का सखियां हैं, देखो इस अच्छी तरह समझो सुनो, एक सपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। बोले भैया ये विपक्ष कौन है? बोले जो केवल कृष्ण को तो भक्ति करते हैं लेकिन राधा रानी को भक्ति नहीं करते। कहते ये चंद्रावली सखियां हैं। एक सखी होता है तटस्थ, तटस्थ मतलब है जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और श्री ईश्वर जी को भी प्रेम करते हैं, दोनों को, लेकिन ये करने पर भी राधा जी की तरफ में थोड़ी सी झुकते हुए। कहते ये कौन है? बोले ललिता विशाखा ये सखी। लेकिन और कुछ सखियां होती हैं जो केवल राधा जी को ही विशेष करके प्रेम करते हैं, केवल राधा जी के प्रति जिनके प्रेम है,
जिनकी बल्कि ये कौन है, बोले राधा जी की छोटी छोटी सखियां हैं, ये मंजरी है। प्रश्न है फिर क्या कृष्ण को प्रेम नहीं करते? बोले केवल कृष्ण राधा जी को कृष्ण को नहीं, बोले नहीं, जो राधा जी की प्रेम करते हैं ना, वो राधा जी की कृपा से ही वो कृष्ण को पूर्ण रूप में आनंद कि राधा जी की कृपा से ही दे सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे आप दो पति पत्नी हैं, कोई बड़े अफिसर है, एक व्यक्ति जैसे उनको पति को खुश करना चाहते हैं, जैसे मानो पति को मिठाई बहुत प्यारा, लेकिन उसने किया क्या, नमकीन नमकीन ला करके दे दिया, वो तो खाएंगे लेकिन वो खुश होकर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर उनको खुश करना है ना, उनको पत्नी से पूछो, पत्नी से पूछो, क्यों? पत्नी उनकी सेवा करती है, उसकी पता है पति को मीठा प्यारा है नमकीन प्यारा। अगर पत्नी की निर्देश से उनके लिए कुछ लाओगे ना, वो पूर्ण रूप में खुश हो जाता है, क्यों? पत्नी उनकी सेवा करती है। तो उसी तरह अगर कृष्ण को खुश करना तो उनको पूर्ण रूप में खुश कौन कराती है, सेवा करती है, राधा रानी। अगर राधा जी की आनुगत्य में सेवा करोगे तो राधा रानी आपको बताएगी भैया कृष्ण को खुश करना तो कैसे तुम खुश कर सकते हो। इसलिए जो पहला जो श्लोक है वो ध्यान बताए, ध्यान मतलब कद श्री जुगल सरकार की ध्यान करनी चाहिए, विशेष करके राधा जी की प्रति विशेष हमारी प्रेम रहनी चाहिए। इसलिए वृंदावन में जाओ तो इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से बोले। जो पहला जो श्लोक है ना, ध्यान का संबंध, बोले भागवत का जो दूसरी जो श्लोक है, बोले प्रतिज्ञा है। देखो भागवत कथा की कितने महिमा, जैसे हमारी यहाँ पर श्री कृष्ण प्रसाद प्रभु जी घर में कथा हो रही है, आपको अभी पता चला कथा हो रही है, अभी कथा में नहीं आ रहे, घर में बैठे हुए आपको पता चला इनकी घर में कथा हो रही है। अगर इसकी मन में केवल इतनी सी इच्छा हो जाए ये कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, जब केवल इतने मात्र किसकी मन में इच्छा हो जाए ना, बोले सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। केवल सुनने की इच्छा होने का साथ साथ जैसे एक व्यक्ति किसी घर के अंदर में चले जाए और अपने आप को कुंडी लगा दे, ऐसे ही भगवान केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में श्री बांके बिहारी जुगल सरकार उसको हृदय में ऐसे फंस जाते हैं मानो अपने आप को अंदर से कुंडी लगा देते, मतलब उसके हृदय से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन सचमुच से अगर यहाँ आकर कोई कथा सुनने लग जाए, कहते भैया उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, बोले कथा कौन सुन सकता, बोले शुश्रूषु भी, मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ तब भी यहाँ पर बैठ कर कथा सुन सकते हैं। अब देखना किसी किसी को कथा अच्छी नहीं लगती दुनिया की, देखना टीवी को सामने बैठ करके जो पिक्चर, क्या बताओ पिक्चर है क्या चीज, उन्होंने एक रूपक दे दिया, तो लेकिन सही घटना थोड़ी है, वो झूठ मूठ का चीज को रूपक दे दिया। देखना लोग तो वहाँ आंख फाड़ फाड़ करके सिनेमा में आधा घंटा पहले जाएंगे, लाइन लगाएंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में टिकट गलती करके और पैसा खर्चा बुद्धि भ्रष्ट और पूरा नरक का रास्ता खाली करके। लेकिन जब ठाकुर जी की कथा हो ना, उनको मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, बोले क्यों, बोले पापी है। भागवत कहता है शुश्रूषु भी वही कथा सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ, नहीं तो कथा नहीं सुन सकते। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा संगत संगत
कथा सुन सकते हैं जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। यदि भागवत प्रतिज्ञा लेता है बोले ये आशीर्वाद क्या देता है, कभी ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है। कल सुनाया था ना जो सात दिन बैठ करके कथा सुनेगा एक मन से, सात दिन में आप जो कुछ मांगोगे ये भागवत सारी इच्छा को पूरी कर देगा। इसलिए भागवत को सूरत करु इसको कल्प वृक्ष बताया गया। देखो ये कल्प वृक्ष क्या होता है, एक समय कोई एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वो बहुत दूर तक चला गया, चलते चलते थक गया, इतने में एक वृक्ष को नीचे उसने बैठ गया। उसको पता नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष, अभी सोच रहा है अगर ये राजमहल होता है ना मेरे लिए कितने सुंदर सुंदर जूस ला करके हैं हमारी दासियां देती। इतना इच्छा होते ही वहां पर देखा ये बच्चे जो बात कर रहे हैं ना, किसके बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चों को बात करना बंद कर दो, नहीं तो बच्चों जब पीछे चले जा बच्चे लोग जो बात कर रहे हैं उनको पीछे भेज दो, कौन बात कर रहे हैं बच्चे, कोई बात मत करो। अभी वो सोच रहा है अगर वे राजमहल होता है ना मेरे को दासिया कितने सुंदर जूस ला कर हमें पिलाती। उसको पता नहीं तो कल्प वृक्ष था, इतना सोचते ही स्वर्ग से सुंदर सुंदर कहानियां प्रकट हो, बड़ी सुंदर सुंदर अपसरिया और बड़ी सुंदर सुंदर जूस ला कर बोले महाराज पियो। बोले भैया इच्छा करते मिल गया। अभी सोच रहा है राजमहल होता तो रानी छप्पन भोग और 36 व्यंजन ला करके देती, इच्छा करती सचमुच से वहां पर छप्पन भोग और 36 व्यंजन बड़ी सुंदर सुंदर अवसरिया लेकर के आ गई। अभी उसे भोजन करती है, बोले राजमहल होता ना गजदंत पलंग के ऊपर में झांक जैसे मुलायम गद्दी बेड के ऊपर में कितना सुंदर में सो जाता विश्राम करता। इच्छा करते ही देखा बड़ा सुंदर पलंग आ गया। अभी जो इच्छा करता है ना उसको वही आकर के मिल जाता है, इसको कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष है, जो मांगो तुम्हारी वही पूरी हो जाएगी। हाँ लेकिन एक चीज यहाँ पर बताया, बोले देखो ये तो कल्प वृक्ष है लेकिन हमें सीखनी चाहिए ये भागवत से हमें क्या मांगे ये सीखनी चाहिए। इसलिए उदाहरण देते हैं हमें कोई छोटी मोटी चीज मत मांगा करो, ऐसे एक चीज मांगो जो कि इसी दुनिया की तो सब कुछ मिले और उसको बाद में ना आनंद ही आनंद है, उसको बाद में आनंद ही आनंद है। ये जगत का कोई तुच्छ चीज को मत मांगो जिसको द्वारा माया के द्वारा हम बंधन हो जाए हैं। जैसे भगवान राम जब हनुमान जी को ऊपर प्रसन्न हो गए बोले बेटा वर मांगो, आज जो कुछ मांगोगे तेरे को मैं सो दूंगा है, जो मांगोगे। हनुमान जी क्या मांगे, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। प्रभु मेरे को बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, मेरी भक्ति और सत्संग आपकी भक्तों का संग प्रदान करो, आपकी चरण की अनुपायनी हमें भक्ति अहित की भक्ति प्रदान करो है। इसलिए देखो एक उदाहरण दिया, कोई एक अंधा था शंकर जी की उपासना की, शंकर जी खुश हो गए बोले बेटा वर मांगो। वो पहले ही सोच करके आया था शंकर जी अगर बोलेंगे ना तीन चीज वर मांगूंगा, बोले किया बोले एक में तो आंख मिल जाए, दूसरे में कुछ रुपया पैसा मिल जाए और तीसरे में किसी सुंदरी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले यही सोच करके आया था। शंकर जी बोले वर मांगो, बोले मेरे को तीन वर चाहिए, बोले नहीं जो मांगना एक बार से मांगना पड़ेगा, तीन बार नहीं जो कुछ एक बार से मांगो। लेकिन वो बड़ा चतुर था, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले मेरे को ये वर दीजिए मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी को पीठ के ऊपर में बैठ करके सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो। बोले बाबारी चतुर निकला, बोले राज महल के ऊपर हाथी के ऊपर कौन बैठता है, राजा महाराज सोने की कटोरी में कौन खाएगा, राजा। फिर बेटे को देखो बेटा कौन होगा जो शादी हो जाए, बोले देखो कब देखेगा जो आंख हो। बोले बाबा ये तो सब कुछ एक बार से मांग लिया हाँ, इसका मतलब है भगवान की भक्ति ऐसे ही चीज है ना, अगर प्रभु की भक्ति मिल गई भगवान तुम्हारी प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं।
और भगवान अगर हमारी वसूत हो गई ना, जीवन में सारी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। हम जो कुछ ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासते। अभी ये घोर कलयुग आ गया, इसको देख करके सौनकादि ऋषि और डर गए, ब्रह्मा जी को पास में गए। बोले ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। ब्रह्मा बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, जहाँ चक्र गिरेगा वो पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करोगे, तुम्हारे ऊपर में कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हजार साल से वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ये यज्ञ से उनका हृदय तक भी जल गई, दाढ़ी उनकी केश सबके सब जल गया, लेकिन हृदय में कोई शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुप्त गोस्वामी वहाँ पर आते, उनको देख करके सौनकादि ऋषि लोग बोले धन्य जीवन है, आज संतों का दर्शन मिला, हमारे कितने भाग्य है, साधु दर्शन मिला है। तब उन्होंने आसन दे करके बैठाए, बोले हे सुप्त गोस्वामी, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपाद्रुत। कदि ये घोर कलयुग है, ये कलयुग में बोले प्रायण अल्पायुष, कलयुग में प्राय करके लोगों का आयु कम है। सत्ययुग में 100,000 साल रहते थे, तृतीया युग आया 10,000 हो गया, द्वापर युग आ गया हो गया 1,000, लेकिन जब आ गया कलयुग हो गया कितना 100 हो गया, कितना हो गया 100 साल। अभी धीरे धीरे ये हाइब्रिड फाइब्रिड देकर बढ़ रही है, जब घोर कलयुग आएगा ना उससे और एक सोना हटा दो, कितना रहेगा 100 से कितना होगा, कितना होगा 10। शास्त्र में वर्णना आती है, लोग धीरे धीरे देखना नाटक धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज हाइब्रिड से बन रही है, हैं? कोई चीज़ शुद्ध चीज मिलती नहीं, इसलिए लोगों का हाइट देखना धीरे 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 घटते जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे, इसलिए दीर्घायु हुआ करते थे। ये इंटरनेट मोबाइल और स्मार्टफोन नहीं होता था, इसकी चरित्र भ्रष्ट नहीं होता था, इसलिए ये सब के सब लंबे समय जिंदा रहते थे। लेकिन बताया जब धीरे धीरे ये कलयुग आएगा, धीरे 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 सबके सब छोटे होते जाएंगे, खाना पीना भी सही नहीं मिलेगा और 10 साल के हो जाएंगे, और बैगन भी तोड़ने का हिम्मत नहीं रहेगा। हैं, बैगन तोड़ने के लिए उसको क्या बोलते हैं, डंडे से तोड़ना पड़ेगा बैगन को, इतने छोटे छोटे धीरे धीरे हो जाएंगे। और कलयुग में बोले मंदा सुमंद मते हो, कलयुग जीव का जो मन है देखना स्वाभाविक रूप में ये मन गंदी चीज में जाती है, और प्रभु की भजन में लगाओ तो स्नान करके पवित्र होकर के बैठ करके तब भी भजन करने के लिए मन लगाओ ना, तब भी ये मन नहीं लगता है, मन कहीं भागता रहता है, मन कहीं भागती रहती है। इसलिए बोले कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होएगा, तो उन्होंने उनको 6 प्रश्न किए। अब ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये श्रीमद् भागवत है। अभी मैं आपको 6 प्रश्न बताऊंगा, कल आपसे मैं 6 प्रश्न सुनूंगा, ठीक है? आज एक मन से सुनना और कल देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है ये 6 प्रश्न किया है, ठीक है? ध्यान देकर सुना। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो जगत में सबसे बड़ा जो अनमोल वस्तु शांति है। हम जो कुछ करते हैं घर में देखना, इसलिए करते हैं शांति और सुख के लिए। लेकिन अगर हमारे पास में अथाह संपत्ति है, लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, फिर उस संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं, वो प्रतिष्ठा की कोई महत्व है, कोई महत्व नहीं। घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, वो सब बेकार है। लेकिन अगर 2 रोटी में अगर शांति मिल जाए ना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। शांति जगत में अनमोल वस्तु है, इसलिए इनका यही प्रश्न है, जीवन में शांति हमें कैसे मिलेगी, सुख हमें कैसे मिलेगी। एक ही प्रश्न में और एक प्रश्न है,
जगत में तरह तरह का धर्म है, देश धर्म, जाति धर्म, भाई धर्म, पत्नी धर्म, जगत में बहुत तरह तरह का धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का सबसे परम धर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगी। दूसरी प्रश्न है कलियुग में भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है एक ही कृष्ण है लेकिन उनका तीन धाम है, अयोध्या, उनको द्वारका, मथुरा और वृंदावन। ये तीनों कृष्ण तीन जगह पर लीला किए, जब वो वृंदावन में होते हैं वो पूर्णतम है, जब वही मथुरा में होते हैं वो पूर्णतर, लेकिन जब द्वारका में होते हैं पूर्ण है। हमने ये तीनों कृष्ण की हमें कथा सुना। चौथा जो प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जगा जगा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानि मधर्मस्य तदात्मानस्य जानः। भगवान ने युग युग में भगवान कभी राम रूप में आए रावण कुमारी, कभी नरसिंह भगवान उन्होंने श्री हिरणा के कुमारे, कभी उन्होंने मत्स्य रूप में, कभी चार वेद उद्धार की, कभी बराह रूप में पृथ्वी को उत्तरण की। इसलिए भगवान युग युग में जो अवतीर्ण होकर के जो लीला की है उनकी भी कथा सुनाओ। इनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस वर्णना करो। और जो छठवा प्रश्न है कृष्ण जब ये जगत छोड़ करके गए अभी कलियुग में धर्म कहाँ पर निवास कर रहा है। जब उन्हें ये छह प्रश्न की प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्यों, ये जितना प्रश्न है कोई ये दुनियादारी की कोई प्रश्न नहीं, ये सारे प्रश्न भगवत संबंधी प्रश्न है, केवल ठाकुर जी संबंधी प्रश्न है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी इनका तो रोम रोम खिली उठा, बोले वाह कितना सुंदर तुमने प्रश्न किए, जिसकी उत्तर में केवल प्रभु की चर्चा, कोई दुनियादारी की चर्चा नहीं हुई है। यहाँ शिक्षा देते हैं साधु को पास में जा करके ना हमें कोई दुनियादारी की बात मत करो, नहीं तो साधु सुखी नहीं होते हैं। जो सचमुच से जो साधु होते हैं, क्योंकि साधु का जो लक्षण है 24 घंटा प्रभु की चिंता में जो डूबे रहते हैं। अगर हम दुनियादारी की बात किया तो मतलब किया हुआ उनको भगवत स्मरण हटा करके उनको संसार की स्मरण मिल गया, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होएंगे। वो प्रसन्न हो गए, बोले मैं पहले अपना गुरु जी को प्रणाम करके फिर तब प्रश्न को उत्तर दूंगा। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते ही बोले बंदा गोरो पद पद मां पराना, बंदा गोरो पद पद मां पराना, छोटी सी कथा सुन। हम लोग देखे होंगे पानी में एक चिड़िया रहता है काला रंग का, जितना वो पानी में डूब करके मछली पकड़ता है और मछली पकड़ के ना वो डायरेक्ट नहीं खाएगा, उसका एक एक कला है, वो मछली को वो ऊपर फेंकेगा, फेंक करके फिर पकड़ करके फिर वो खाएगा, उसकी एक नियम है। एक व्यक्ति वो देखा, उसको देख करके उसने धीरे 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 उससे वो विद्या को उसने सीख लिया। पहले उसने लकड़ी का चाकू बनाया, वो लकड़ी को चाकू को ऐसे ऊपर फेंकता है और जाकर के फिर मुंह में पकड़ लेता है। उसको प्रैक्टिस करते 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 उसने जब पूरा प्रैक्टिस हो गया
उसने एक लोहे की चाकू बनाई। अब वह चाकू को क्या करता है, बड़ी जोर से ऊपर फेंकता है और दांत में पकड़ लेता है। अभी उसने क्या कि जहां पर देखता है बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, वो एक ड्रम लेकर बड़े जोर जोर से बजाएगा। जब वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो लीला में दिखाएगा। और जो जो देखते थे बड़ा हैरान होते थे। एक व्यक्ति ने कहा, धन्य तेरे गुरु है जिससे तुमने ये विद्या को सीखा है। इतने में उसने बोला, थोड़ी मेरे कोई गुरु है, मैं तो अपने आप सीख गया। लेकिन इसको गुरु कौन था बताओ तो? उसका गुरु कौन था? वो पक्षी था। उसने पक्षी से ही कला उसने सीखी। अभी तक तो वो सक्सेसफुल होता था, क्यों? उसने अपना गुरु जी को नेग्लेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब उसने कहा, थोड़ी मैंने कोई गुरु बनाया, मैं तो अपने आप सीख गया सबको। इतने में एक व्यक्ति ने कहा, भैया और एक बार दिखाओ। इतने में उसने चाकू को ऊपर फेंका, फेंक करके जब पकड़ने के लिए गया ना, उसका लक्ष्य चुक गया तो वो सीधा उसके नाक ऊपर गिरा, नाक कट गई, उसकी नाक ही कट गई। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि जो देखो, ये तो साधारण विद्या है, ये जगत का विद्या है। जो ब्रह्म विद्या, जो भक्ति विद्या है, ये विद्या को बताया, ये गुरुमुखी विद्या है। अपने आप पढ़ करके है, अपने आप पढ़ करके इसको सीखने वाले विद्या नहीं, इसको ये ब्रह्म विद्या गुरुमुखी विद्या है। इसलिए जब तक श्री गुरु जी की कृपा हो ना, तब तक ये विद्या सही काम करती है। लेकिन जब गुरु जी से अप्रसन्न हो जाते हैं फिर ये विद्या सबके सब नष्ट हो जाती है। ये विद्या फिर किसी काम का नहीं। इसलिए आप लोग महाभारत में एकलव्य की कथा सुनाओगे। ये एकलव्य उसने द्रोणाचार्य को पास में आया सीखने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य सिखाए नहीं, लेकिन उसने गुरु को नेग्लेक्ट करके उसने विद्या को सीखी, विद्या को सीखी। जब पांच पांडव एक समय जंगल में जा रहे थे, एक कुत्ता था। इतने में वो भोग करते करते गया, इतने में एक लव्य ऐसे बाण मारा, उसको मुंह में बाण बाण भर गया, लेकिन थोड़ी सी खोज तक भी नहीं आई। अर्जुन ने कहा, भैया ये विद्या अभी तक मेरे को पता नहीं, ये विद्या इसको किसने ये किया है? देखा एक लव्य, बोले भैया तेरे गुरु कौन है? बोले द्रोणाचार्य। इतने में अर्जुन ने आया गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी आप कहते हो आपका शिष्य मैं सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपसे मेरे से भी कोई और श्रेष्ठ शिष्य है। बोले कौन है? बोले आओ आपका हम दिखाता हूँ। तो उन्होंने एकलव्य को पास में ले गए। बोले ये विद्या उसने सीखा कहाँ से? द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा तेरे गुरु कौन है? बोले आप हो। बोले मेरे से तुमने विद्या सीखी? बोले हाँ। बोले तुमने गुरु दक्षिणा दी नहीं? बोले बताओ क्या दक्षिणा चाहते हो? बोले तुम डाण हाथ का ये अंगूठा को काट कर दे दो। उन्होंने काट कर दे दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ऐसे क्यों किया? बोले कारण क्या? बोले कारण ही उसने देखा, इसने तो विद्या सीखा है मेरे मूर्ति से, लेकिन मेरे आनुगत्य में जो विद्या सीखा ना ये अर्जुन, मेरी जो सेवा करते हुए जो विद्या सीखा ये अर्जुन ही पूर्ण रूप में मेरी सेवा करते हुए विद्या सीखा। लेकिन ये विद्या तो सीखा है, लेकिन अपना मनमानी से गुरु जी को नेग्लेक्ट करते हुए आगे को सीखा की। इसलिए भविष्य में ये पांडव का विरोध में जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी अंगुल को काट दिया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, गुरु के बगैर अगर कोई विद्या को सीखे बा गुरु जी को कोई अपमान अगर करे तो उसका विद्या क्या होता है? वो विद्या सबके सब निरर्थक हो जाता है, वो विद्या किसी काम में विद्या नहीं आती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने किसको प्रणाम किया? अपना गुरु जी को प्रणाम किया। बोले मेरे गुरु जी कौन है? बोले साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब श्री व्यास देव जी बोले निकल करके आ जाओ, बोले ये दुनिया मायामय है, मातृ गर्भ में सब जीव भगवान से कसम खाते हैं, बोले प्रभु आप जन्म देने पर जरूर तेरा मैं भजन करूंगा, लेकिन ये दुनिया में आकर के सब जैसे भूल जाते हैं, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बोले मैं माया को हटाता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते हो, मायावती कृष्ण ही केवल हटा सकते हैं। इसलिए कृष्ण जो माया को हटाए श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए। बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन वो जन्म होकर के वो सन्यासी लेकर के जा रहे थे।
इतने में व्यास देव पीछे पीछे बोल रहे थे, हाँ पुत्र प्रतिध्वनि आ रहा था, हाँ पुत्र मतलब कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, सब झूठा संसार है, हैं? बोले मेरे गुरुदेव सर्वत्र लता पता में विद्यमान है, इसलिए मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए और इनकी प्रश्न का जैसे आंसर दे सकूं। देखो पहला प्रश्न क्या था, कौन बोले हाथ उठा, पहला प्रश्न क्या था, अरे बोलो, भूल गए इतने, बोलो कौन बोले हाथ उठा, बोलो। हाँ, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, और जगत में तरह तरह का धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में जीव का परम धर्म क्या है, उन्होंने एक श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। हो सके तो आप लोग एक श्लोक में रट लेना, ठीक है ना, क्योंकि जगत में हम जो कुछ कर रहे हैं शांति और सुख के लिए कर रहे हैं, शांति सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक श्लोक में इसका आंसर दिया, बोले सबई पुल सांग परो धर्म जत भक्ति सजे आहि तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को संपूर्ण रूप में शांति कैसे मिलेगा, देखो इसमें जो एक एक वार है ना वो बड़े महत्वपूर्ण वार है, कहते आत्मा को संपूर्ण रूप में शांति कैसे मिलेगी। लेकिन ये दुनिया में देखो अगर थोड़ी समय के लिए कोई सुख आए ना, देखना थोड़ी देर बाद में गायब, थोड़ी समय के लिए आया फिर कहीं गायब हो जाती है। लेकिन इनका प्रश्न है जीव को पूर्ण रूप में शांति कब मिलेगा, जो शांति कभी जाएगी नहीं। महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णा मृता आस्वादन, ऐसे दिन कब होगा प्रतिपद पद में नई 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 आनंद, नई नई आनंद कब मिलेगा। लेकिन इस जगत में आनंद तो आता है लेकिन पता नहीं कहीं चली जाती है, इसलिए कब मिलेगा, बोले सबई पुंसा मतलब बई मतलब निश्चित रूप में जगत में जितने जीव है जगत में हैं, कहते जीव कौन है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान है, भगवान की संतान है, इसलिए सबई पुंसांग परो धर्म, पर धर्म मतलब सर्वश्रेष्ठ धर्म, जगत में तरह तरह का धर्म है, जैसे पत्नी धर्म है, पति धर्म है, बेटा धर्म है, माँ धर्म है, कभी ये जितने सारे धर्म है ना, ये जितने सारे धर्म के बच्चे किसका बच्चे हैं, उसका अंदर में हाथ लगा देगा तो बल्कि हाथ कट गए, अपना गोद में रखो, नहीं तो ये बच्चे को पीछे लेकर बैठ जाएंगे। इसलिए बल जगत में सबके सब अलग अलग जगत में धर्म है, हैं? लेकिन ये जो धर्म है ना, ये जो धर्म है ये धर्म नहीं है, कभी ये कर्तव्य है, ये क्या है, ये कर्तव्य है, ये धर्म नहीं। लेकिन धर्म क्या है, जैसे देखो उदाहरण दिया, जैसे पानी को यहाँ पर घिरा हो, बताओ पानी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, स्वाभाविक रूप में नीचे जाएगी। बोले नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, बोले कारण है ये जो जल है इसका धर्म तरलता, आप देखना वो धीरे धीरे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, नाली में मिलेगा, नदी में मिलेगा और लास्ट में जाकर समुद्र में मिलेगा। बोले क्यों, वो पानी आई वहीं से, आप कोई दिया जलाओ उसका लो किधर जाएगी बताओ, ऊपर क्यों जाएगी, इधर इधर क्यों नहीं जाता है, ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वो जो मूल जो सूर्य है, मूल इसका सूर्य है, वो मूल तेज है, इसलिए स्वाभाविक रूप में देखना उधर चलती है। उसी तरह हमारा वह वृत्ति स्वाभाविक रूप में कहाँ जाता है, आनंद सुख। बल्कि क्यों हम दुख क्यों नहीं चाहते, सुखी क्यों चाहते हैं, कारण है हमारा जो मूल है भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण कौन है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप, भगवान सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान, और हम उनके औलाद हैं, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात परम शांति, कहते हे अर्जुन जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएगा तब तक जीव को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जीव का जो परम धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, इसी से ही हमें परम शांति और परम सुख मिलेगा।
हम लोग कहेंगे हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये शांति सुख क्यों नहीं मिल रहा है? बोले जैसे करनी चाहिए ना हम वैसे नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने दो उदाहरण दिया है भक्ति कैसे होनी चाहिए। बोले निष्काम भाव से, इसमें कोई कामना वासना नहीं हो। लेकिन हमारी कितना कामना वासना, 10 रुपया की अगर फूल चढ़ाएंगे ना, माला चढ़ाएंगे, एक पर्ची भी रखेंगे 10 करोड़ रुपया, ठाकुर जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये निष्काम नहीं हुआ, ये कामना वासना हो गया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि स्वरि भगवता भक्ति अहिपते। हे प्रभु हमें ये दुनिया की किसी चीज नहीं चाहिए, केवल आपके चरण की भक्ति और हमें आपकी प्रेम प्रदान करो। और दूसरा जो उदाहरण दिया, भक्ति तुम्हारी निरंतर जमी, निरंतर जमी मतलब इसका मतलब क्या, मतलब है हमारे जो मन है, उदाहरण दिए जैसे कि शहद है, शहद वैसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती, एक धागा बन जाती। भक्ति ऐसे भक्ति अटूट हो रहनी चाहिए, हर काम में हमें भगवान की याद रहनी चाहिए। आप बोलोगे भैया हम थोड़ी साधु संत है, दिन भर माला लेके भजन करेंगे, हम तो साधु संत है नहीं, 24 घंटा में स्मरण करेंगे। हम बोले देखो इसलिए कहते किसी देश में किसी बेश में परिवेश में रहो और राधा रमन राधा रमन राधा रमन, तो घर में रहो। ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसीदास ये लोग कोई त्यागी नहीं थे, घर में ही थे सबके सब, लेकिन घर में रहते हुए भी भजन करते थे। कैसे? अपना घर को भगवान के मंदिर मानो, घर को क्या मानो, ये भगवान के मंदिर है। खूब पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? ठाकुर जी की सेवा के लिए। रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ। बोले खाना क्यों बना रहे हो? बोले भगवान की भोग लगेगा। घर को सुंदर करके साफ करो। बोले क्यों? अगर भगवान की कभी इच्छा होगी, कभी घूमने के लिए अगर कहीं धूल होगा, ठाकुर जी की चरण में लग जाएगी। इसलिए घर साफ नहीं, भगवान के मंदिर को साफ कर रहे हैं। जैसे स्नान करते हो बढ़िया कपड़ा पहनो। बोले क्यों? बोले गंदे शरीर से ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, हैं गंदे। इसलिए हर चीज को क्या करो, भगवान की भक्ति में जोड़ दो। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, क्या करो हर चीज को भगवान की भक्ति में केवल जोड़ते रहो, ठीक है ना। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, हाँ बस यही तो भक्ति और क्या है, भक्ति और कुछ चीज नहीं। इसलिए हर समय भगवान की भक्ति करते रहो, हाथों में ठाकुर की सेवा करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। और जो गुरु जी ने जो माला दिया है वो माला में कुछ समय बैठ करके थोड़ी हरिनाम करो, ठीक है। कहते पहला प्रश्न है उत्तर। बोले दूसरी प्रश्न क्या था, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के Yeah.
इसलिए ठाकुर जी देखा बिना पैसा बिना कष्ट से ये ठाकुर का नाम कर सकते, इसलिए ठाकुर जी कलयुग में मतलब और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी की नाम जप कर विषय करते। पाँच मिनट बोल सकते हो क्यों हरि नाम कर बोलो, पाँच मिनट बोलो फिर हमारे जीवन प्रभु ये भी बोले करना। हाँ पहले बोले एक माइक दे दो तो अंदर रूम में जाकर ना जब करने का माना है ये दस बजे जाओ बनना बस करो कब सीधा जाओ ये चाबी ले लो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मनुषातर्कतुण्डश्च कृपासिन्धुभ्यश्च सतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मदीयगुरुपादपद्मं मच्चासन अस्मदेव गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरसन श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर श्री गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग वंदन प्रणाम को सिंहासन करता हूँ। आप सभी भक्तों सभी गुरुजन सभी मातृ सभी स्नेहार्थी पात्रगण सभी के चरणों में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के आदेश महाराज जी के आदेश को ग्रहण करता हूँ। देखो हमने महाराज जी को देख रहे हैं और आप लोग कुछ लोग हैं जो महाराज जी को जानते हैं। महाराज जी हमें कितने सालों से कथा सुनाते आ रहे हैं, है ना? कोई बहुत सालों से जानते हैं, कोई दो तीन साल से जानते हैं। मैंने महाराज जी को देखा, महाराज जी की पूरी जीवन ये श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवतम की सारस्वर श्री भगवान जी के नाम कीर्तन में ही व्यतीत हुआ है। तो इसीलिए उनकी अभी भगवान की जो अनन्य भजन एक गुरु की परिचायक होता है, वो गुरु को गुरुत्वता प्रदान करता है। यही श्रीमद् भागवतम की जो सारस्वर नाम है इसी से ही महाराज जी की यही गुरुत्वता आज हम लोगों को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की सौभाग्य मिली है। तो श्रीमद् भागवतम के आज द्वितीय दिन हमें बड़े ही सौभाग्य की महाराज जी जैसे संत से उपहारविंद से श्रीमद् भागवतम कथा जो महाराज जी परिवेषण कर रहे हैं उसको सुनने के लिए आज हमारे हृदय में वो लालसा जागी है, तभी तो हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की बहुत ही सुंदर व्याख्या श्री नारद श्री गणेश सभी लोग करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भागवतम की इतनी महिमा है
कहते हैं यद गृहम तथा रूपम वसतः पावनासनम, जहाँ पर श्री भगवान की श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रहता है वहाँ पे सारे पाप खंडन हो जाते हैं। वाजपेय सता नीच अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय सता नीच, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी कर लो और वाजपेय वाजपेय यज्ञ भी कर लो। जो यज्ञ होती है सबसे बड़ी यज्ञ में दो यज्ञ प्रधान और बहुत पुण्य फल देने वाले। आप थोड़े धीरज रख करके थोड़े समय कथा सुन लो और इससे देखो ये कथा ही है श्रीमद् भागवत कथा। अगर कथा में आकर कथा ही नहीं सुना तो केवल व्यथा ही व्यथा हुआ, किसी के शरीर की, किसी के टांग की, किसी को घुटनों की, किसी की कमर की, किसी की आंखों की। तो इसीलिए हम व्यथा क्यों लेके जाए जब हम कथा सुनने के लिए आए। तो इसीलिए कुछ कहते हैं ना सत लोग, कहते हैं हम तुम्हारे पास आते हैं तुम हमें दो चीज दे दो, एक अपनी कान और श्रद्धा की माध्यम से। अगर थोड़ी सी श्रद्धा है वो श्रद्धा दे दो, कानों के माध्यम से जो हमें देते हैं हम देते हैं उसको तुम ग्रहण करो। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा हमें महाराज जी सुना रहे हैं उसकी कितनी महिमा है, इस महिमा को हम नहीं जान सकते हैं। तभी हमारा मन इधर से उधर जाता है, उधर से इधर जाता है। परंतु जो महिमा स्पष्ट रूप में शास्त्र में विदित है उसका फल तो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि सारा फल हमें मिल रहा है परंतु वो दिख नहीं रहा है। परंतु क्या कैसे दिखेगा, कहते हैं कि अगर हम ध्यान पूर्वक दो मिनट बैठ के कथा सुने। तो इसीलिए देखो श्रीमद् भागवत की जो सार स्वरूप है ये है श्री भगवान के नाम। लास्ट में बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवत के नाम को किसने ग्रहण किया। हम शिव जी के पास आते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, दूध देते हैं। कहते हैं कि देखो दूध शिव जी भी किन की आराधना करते हैं। आप देखना शिव जी के हाथ में माला है, माता जी को देखो पार्वती जी की माला है। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो ना वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी किसी के शरण में जाते हुए आप नहीं देखोगे। हम अगर समझते हैं कि शिव जी श्रेष्ठ हैं तो भैया वो भी किसको भजन कर रहे हैं, तभी तो उनके हाथ में माला है। तो वो माला से वो क्या करते हैं, कहते हैं ना कि तुलसीदास जी है कि महामंत्र जी जपत महेशा पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। तो ऐसे ही शिव जी जो नाम की महिमा को भलेभांति जानते हैं वो अब होता क्या है कि मनुष्य देवता और असुरों में एक बार लड़ाई हो गई। क्या हुआ, उनका यही था मुद्दा, यही था कि ये जो सारे वेद पुराण रचना हुई ये सारे वेदों में 1 करोड़ श्लोक हैं, तो ये सारे वेद को हमें चाहिए क्योंकि असुर भी यज्ञ करते हैं ना उससे उनको शक्ति मिलता है। तो वो भी चाहें कि भाई हमें भी ये श्लोक मिल जाए। उन श्लोकों में से अगर श्लोक को शुद्ध रूप में आप उच्चारण करो उस श्लोक आपको सिद्धता देंगे। सिद्धि में अष्ट सिद्धि जो है अणिमा लघिमा काम्बसिता इत्यादि आपको मिल सकता है और वो असुरों को भी चाहिए और वो देवताओं को भी चाहिए और वो मनुष्य को भी चाहिए। तो इन तीनों में से लड़ाई हो गई कि ये श्लोक किनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि सारे शास्त्रों की जो प्रणेता है जो रचना किए हैं कौन, शंकर जी। शंकर जी के पास चलते हैं, अगर वो हमें देते हैं और जैसे बंटवारा करते हैं हम उसी अनुरूप उनको लेंगे। इसीलिए उन्होंने शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने देखा कि चलो ठीक है तुम लोग आए हो, मैं पक्षपात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए मैं गुरु हूँ। अगर एक शिष्य है जो कि खराब कर्म कर रहा है पर फिर भी गुरु उनको त्यस्त क्यों नहीं, एक ना एक दिन उसकी बुद्धि सुधरेगी। शिव जी भी वही देखते हैं, मुझे शुक्राचार्य भी प्रिय है और शुक्राचार्य जी को अनुचर असुर लोग वो भी मुझे प्रिय हैं और मुझे मनुष्य भी प्रिय है और तदनुरूप मुझे देवता भी प्रिय है, इसीलिए मैं सबके साथ किसी के साथ पक्षपाती नहीं करूंगा, सबको बंटवारा करूंगा। 1 करोड़ श्लोक था पहले ब्रह्मांड पुराण की बात है। उन्होंने 1 करोड़ को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों में से जो 30 लाख और 30 लाख श्लोक मनुष्य को, देवताओं को और असुरों को यथाक्रम में दे दिया। अब बच गया 10 लाख। 1 करोड़ में से 30 30 30 90 लाख हो गया, बाकी रहा 10 लाख। 10 लाख में से फिर 3 लाख 3 लाख 3 लाख बंटवा दिए, अब रह गया 1 लाख और उस 1 लाख को फिर 30,000 30,000 30,000 कर दिया, बच गया 10,000। फिर 10,000 को 3,000 3,000 3,000 कर दिया, बच गया 1,000। फिर 1,000 को 300 300 300 कर दिया, फिर 100। फिर 100 को फिर 30 30 30 कर दिया, फिर कितना हो गया 10। फिर 10 को फिर कितना कर दिया 3 3 3, और बाकी रह गया 1 श्लोक। अब देखो जो संस्कृत पढ़े होंगे वे जानते हैं कि 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं, श्लोक की छंद, श्लोक की बहुत प्रकार की वो होती है जिसकी जो स्ट्रक्चर वाइज हम उसको
उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एक श्लोक में चार चरण होते हैं। वो चरण, चार चरणों को भगवान ने, शिव जी ने फिर बटवाए, एक चरण दे दिया, एक चरण दे दिया, एक चरण दे दिया। अब एक चरण में भी आठ अक्षर होते हैं, उस आठ अक्षर को भी बंटवारा करनी है, क्योंकि शिव जी सबको दे रहे ना। अब रह जब गया तो कुछ रह गया, उसको भी बंटवाएंगे। तो उस आठ अक्षर में से दो अक्षर देवता, असुर और मनुष्य को दे दिया, बाकी बच गया। और दो अक्षर बोलते हैं कि वो दो अक्षर क्या है पता है, जो सारा वेद को विभाजन करते 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 दो अक्षर में पहुंच गए। कहते हैं शिव जी कि देखो मुझे कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहिए। क्या आप मेरे पारिश्रमिक, मैंने तुमको सारा सब कुछ दे दिया। तो जैसे मोहिनी अवतार में भगवान ने क्या किया देखा, असुर लोग और देवता लोग ने सारा सब कुछ किया, करते हुए भी जो भगवान अपने प्रियजन जो देवता लोग हैं उनको जो उसकी सार है, समुद्र मंथन की जो सार है वो अमृत को देवताओं को पिला दी। इसी प्रकार से जो सार है उसी को भगवान शिव ने ले लिया। अब वो था क्या दो अक्षर, दो अक्षर था राम। इसीलिए क्या कहते हैं कि राम नाम केवल जपत आधारा, ये राम नाम की ही इतनी वो है। इसीलिए आज इन्होंने अमर बन गए, इसीलिए हनुमान जी अमर बन गए, इसीलिए मीरा जी अमर बन गए। कैसे अमर बने, भगवान की नाम की प्रभाव से, नाम की प्रभाव से जगत में इनकी आज गुणगान हो रहा है। किसने आपने जाने, अगर आपको जानकारी होगी कितने भी बड़े बड़े लोग हुए संसार में, सतयुग से लेकर के आज तक जितने भी बड़े बड़े लोग हुए सभी की नाम अमर है क्या? अमर तो कितने कितने लोग, जो हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था, ना भूतो ना भविष्य थी ना आगे कोई ऐसा होगा, क्यों उसको सभी गाली देते हैं। परंतु वही है विभीषण जी, वही हनुमान जी, वही प्रहलाद महाराज, इनके नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को ही अपने प्राण में धारण किया उनके नाम के माध्यम से। इसीलिए एक छोटी कथा सुना के विश्राम दे देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने एक गांव में गया, उस गांव में सबसे पहले पड़ता है एक शमशान। जब वो शमशान में गया देखा कि एक बोर्ड है, उसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ नाम की लिस्ट है। उसने देखा कि बनवारी लाल, उसने देखा घनश्याम लाल, उसने देखा अरुण, ऐसे कुछ नाम उसने देखा। और उस नाम की साइड में जो लोग मर जाते हैं उनकी नाम वहाँ पे लिखा हुआ होता है, और उस साइड में उनकी उम्र लिखा हुआ होता है। तो उसने एक हैरानी बात देखी, देखा जितने भी नाम लिखा हुआ है और उसके दाहिने साइड एक चीज मेंशन हुई उनकी जो उम्र है, किसी की 2 साल, किसी की 3.5 साल, किसी की 4 साल, किसी की भी साल 10 साल से ऊपर है ही नहीं। उसने तो बड़ी चिंता में पड़ गया, भैया इस गांव में मैं कैसे आ गया, अब मैं ना मर जाऊं, क्योंकि मेरा जितना भी अभी आयु रह गया है वो आयु ना चले जाए, क्योंकि गांव में तो किसी के नाम, किसी की जो आयु है वो तो 10 साल से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी देर आगे गया, देखा कि 7 साल के दो बूढ़े व्यक्ति आ रहे। पूछा कि भैया बाबा जी आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या सभी लोग 2-3 साल 10 साल से कोई ऊपर नहीं जीता है? बोले अरे कैसे मूर्ख प्रश्न कर रहे, तुम्हें नहीं दिख रहा हम लोग 60-60 साल की उम्र के तो पूरा बूढ़े खड़े आदमी खड़े हैं। तो उसने बोला नहीं ऐसा है कि मैं जब यहाँ पे गांव में एंट्री किया शमशान में मुझे ऐसी ऐसी चीज नजर आई। तो उसने बोला कि हाँ ये बात है, देखो क्या है मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हमारे जब एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके हाथ में, मतलब जन्म होने के जब तक उसकी आयु है, मतलब वो थोड़ा जान ना ले कि हाँ दुनियादारी क्या है क्या नहीं है, जब वो थोड़ी सी प्रौढ़ हो जाए तब तक हम क्या करते हैं उसकी लालन पालन करते हैं। जब वो थोड़े जानबूझ लेता है हम क्या करते हैं उसके हाथ में एक डायरी एक पेन दे देते हैं। अब वो क्या करता है, इस संसार में जितना समय तक वो रहता है उस चीज को वो नोट नहीं करता, क्या कर गया, क्या खाया, क्या कितना पैसा कमा के गया, वो केवल उस चीज को नोट करता है जितना उसने राम की नाम लिया है, जिसने जितना उसने कृष्ण का भगवान का नाम लिया है। इसलिए जितने साल जितने क्षण उसने नाम लिया है उसको बैठ करके सभी लोग क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। और उस जब लिखते रहते हैं ना उसके बाद जब वो शरीर छोड़ता है उसके बाद हमने उसको काउंट करते हैं। मान लीजिए एक दिन में उसने 2 मिनट किया है, दूसरे दिन उसने 10 मिनट किया है तो 12 मिनट हो गया। ऐसे करते करते जितना मिनट मिनट फिर घंटा में, घंटा फिर दिन में, दिन फिर मास में और मास फिर वर्ष में, तो वही कर्मठ होकर के हम जब वो मर जाता है जलाने के बाद हम लिख देते हैं कि वही है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं आयुर्हरति कोई पुंसा
कहते हैं कि आयु को हरण करने वाला ये जो सूर्य है ना, सूर्य हरण तो करता है परंतु उन्हीं का नहीं कर पाता है, उनको नहीं मार पाता है जिनको, जो केवल भगवान के भजन करते हैं। जो भगवान की एक दो चीज होता है, एक होता है निवेश करना, एक होता है खर्च करना, इन्वेस्ट करना, वेस्ट करना। जैसे एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों को दिया 100-100 रुपए, एक ने जाके रसगुल्ला खा दिया और एक ने उससे क्या किया, कुछ सामान खरीद लिया, उसको बेच दिया, अगले दिन उसको 110 रुपए मिला, 110 को बेच दिया, 220 रुपए मिला। तो एक ने क्या किया, वही 100 रुपए खर्च किया, दूसरे ने भी 100 रुपए को खर्चा ही किया, अपने पास नहीं रखा, परंतु एक ने खर्चा को खर्चा ही किया और एक ने उसको निवेश किया, एक ने इन्वेस्ट किया, एक ने वेस्ट किया। तो वैष्णव क्या करते हैं, वैष्णव हमको हमारे जो